हेलो अभी नमस्कार वेलकम टू टूट क्रैक यूपीएससी पी सी एस सी हिंदी मैं प्रोफेसर सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सभी का स्वागत करता हूं चलिए शुरू करते हैं आज की यानी मंडे की अपनी चर्चा जो बहुत मजेदार होने वाली है काफी कुछ मसाला आपके लिए तैयार है और मज़ा आएगा जबरदस्त गुड इवनिंग सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद और उसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास क्या बात है टाइम ऑर्डर बन गया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों जो इनोवेशन कैटेगरी में है कॉन्सेप्ट ऑफ डी पॉपुलेशन क्या पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डी पॉपुलेशन जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में जनसंख्या का हास आप कहेंगे सर इसमें क्या नया है वो अंदर पढ़ेंगे तब पता चलेगा तो कॉन्सेप्ट ऑफ डी पॉपुलेशन ये एडिटोरियल का है लेकिन इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है याद रखेगा यूपीएससी के लिए क्योंकि आप सबको पता है कोई भी एडिटोरियल यूपीएससी के लिए नहीं लिखा जाता यह हमेशा जा याद रखिएगा कोई भी एडिटोरियल जो आता है वो यूपीएससी के लिए नहीं लिखा जाता है ये एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उसको किस प्रकार से यूपीएससी के अकॉर्डिंग मूव कर देता है जिसको हम कहते हैं आई क्यू आई पी तो ये एडिटोरियल्स अगर आई क्यू आई पी के साथ ना जुड़े तो आपके किसी काम के नहीं है ये मान के चलिएगा ठीक है तो कौन और अदरवाइज आप एक बार पढ़ के देख भी लें तो आपको समझ में आ जाएगा ये बात तो ये पूरा मैंने जबरदस्त इंटरलिंक किया है ये हिंदू का एडिटोरियल है इट्स टाइम टू डिस्कस डी पॉपुलेशन यानी यह समय इस बात पर चर्चा करने का है किस पर जनसंख्या के हाथ पर डी पॉपुलेशन पर अब आप कहेंगे सर जनसंख्या का हास 2023 में हम टॉप पे पहुंचने वाले हैं पूरे विश्व की सबसे बड़ी आबादी हमारे पास होने वाली फिर हमारे यहाँ डी पॉपुलेशन कैसे होगा समझाते हैं बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है ठीक है तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है 2015 में यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था जीएस वन में जीएस वन में सिलेबस है पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे वहां से मैंने देखे ग्रोइंग पॉपुलेशन कॉज ऑफ पॉवर्टी जनसंख्या वृद्धि गरीबी का कारण है या गरीबी जनसंख्या वृद्धि का कारण है मजा पाएंगे आप गजब का इंटरलिंक हुआ है ये कभी कभी हो जाता है और इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं पी चितंबरम साहब का एक एडिटोरियल है और यह एडिटोरियल है देखिए पी चिदम्बरम साहब ने लिखा है ओपिनियन पेज पर इंडियन एक्सप्रेस के वाना बी चीफ मिनिस्टर क्या है वाना बी वाना बी चीफ मिनिस्टर यानी इन्होंने राज्यपाल के ऊपर लिखा है कि राज्यपाल वाना बी मतलब चीफ वाना बी चीफ मिनिस्टर यानी राज्यपाल चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर राज्यपाल पे तो आप काफी करा चुके ये क्यों करा रहे ये मैं कुछ नए एस्पेक्ट्स आपके सामने रखने वाला हूं कि जैसे पी चिदंबरम साहब ये कहते हैं यहां पर मैंने जो है आपके सामने इसमें इनोवेशन कर भी दिया है यानी मैंने अपनी तरफ से इसमें यह जोड़ा है कि ठीक है पी चिदम्बरम साहब जिन बातों के आधार पर यह कह रहे हैं यानी राज्यपाल की आलोचना कर रहे हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं गवर्नर वाना बी चीफ मिनिस्टर्स ठीक है वो वाना बी का मतलब ये होगा किसी की तरह बनना यानी चीफ मिनिस्टर की तरह बनना ठीक है ये तो उनकी बात लेकिन और वो काफी आलोचना करते हैं ठीक है लेकिन दूसरी चीज क्या है कि वह इस बात से इनकार करते हैं पूरे एडिटोरियल में कहीं भी ये नहीं लिखते हैं कि एक्चुअल में राज्यपाल के पास स्पेशल पावर्स हैं जिसे हम डिस्क्रिशन पावर या जिसे हम विवेकीय शक्तियां कहते हैं उसी को मैंने उनके एडिटोरियल जहां उनका समाप्त होगा वहां से मेरी इंटरी स्टार्ट होगी और वो है पावर एंड स्पेशल ऑफ द गवर्नर ये मेरी तरफ से यानी एडिटोरियल में कहीं नहीं आप सर्च कर डालेंगे ये मेरी तरफ से और इतना ही नहीं यानी विवेकीय शक्तियां और कुछ विशेष उत्तरदायित्व गवर्नर पे होते हैं और इसी के आधार पर मैंने इनोवेशन यहां बच्चों किया है और वो इनोवेशन क्या राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की भी एंट्री करा दी है और ये कंपेयर किया है कि अगर हम पावर को लेकर के बातचीत करें तो राज्यपाल की पावर राष्ट्रपति से ज़्यादा होती है राज्यपाल की पावर राष्ट्रपति से ज़्यादा हो जाती है कैसे हो जाती है तो यहाँ मैंने आपको समझाया है या कैसे हो जाती है अंदर ही पढ़ते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा ठीक है तो ये यानी अपनी तरफ से इनोवेशन दबा करके इसके अलावा एक आज का मेरा जो सबसे मतलब सभी बहुत अच्छे हैं लेकिन सबसे फेवरेट बहुत छोटू सा है और वो है एडिटोरियल याद रखिएगा एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस के पे एक्सप्लेन एक महिला सशक्तिकरण पर कोई भी प्रश्न आप लिखेंगे आपका पीछा कभी नहीं मतलब आपको डालना ही पड़ेगा और आपको अच्छा लगेगा कि सुनील सर क्या क्या चीजें निकाल लेते हैं और वो भी आप अखबारों से प्रतिदिन के अखबार से वो भी सीधा यूपीएससी के लिए इमाम मार्केट विच मिनिस्टर जयशंकर कॉल्ड अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ नारी शक्ति अब आप देख सकते यानी हमारे विदेश मंत्री की तरफ से इम्फाल की इस मार्केट में घूमते हुए कहा गया जिसका नाम है इमा मार्केट इमा मार्केट में उन्होंने घूमा और कहा कि ये नारी शक्ति का एक एग्जाम्पल एक एक है अब विदेश मंत्री ने कहा अब इसको यूपीएससी के क्वेश्चन सेंटर लिंक करके और फिर आपके लिए बना दिया गया तो यह भी बहुत मजेदार है आपको मजा आएगा

टाइटल ही लिखा हुआ यूपीएससी एसेंशियल यूपीएससी एसेंशियल यूपीएससी के लिए एसेंशियल है लेकिन कुछ एडिटोरियल में जो है केवल जो थीम है वही वही है बाकी कुछ भी नहीं है तो यूपीएससी के लिए एसेंशियल खुद ही लिख रहा है इंडियन एक्सप्रेस तुम तो भाई हमारी जिम्मेवारी कि क्या है वो यानी यूपीएससी के लिए एसेंशियल क्या है जो एडिटोरियल राइटर आपसे कहना चाह रहे हैं तो यूपीएससी क्या है यानी कि अभी संविधान दिवस पर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कोटेशन को कोट किया एक कोट को कोट किया यानी एक कथन को उन्होंने 26 नवंबर संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशनल डे के अवसर पर क्या किया उस कथन को फिर से उन्होंने रिपीट किया यह कथन है आर्क ऑफ द मोरल यूनिवर्स इज लॉन्ग बट इट बुवर्ड जस्टिस ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का स्टेटमेंट है अब यह क्या है अंदर पढ़ेंगे और यूपीएससी एसेंसियस जो इंडियन एक्सप्रेस खुद कह रहा है देखते हैं क्या तो ये मजेदार आपके सामने आज के चार एडिटोरियल मेरे प्यारे बच्चों और उसके साथ साथ ये चार न्यूज जिसमें काफी कुछ आपको मैं बताने वाला हूं मजा आएगा आपको पढ़ करके जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी यह भारत के लिए एक अवसर है वैश्विक अच्छाई को भारत आगे बढ़ाएगा ग्लोबल गुड मोदी कहते हैं अब ग्लोबल गुड क्या है अब देखिए यही यूपीएससी में आपको लिखना है क्योंकि मैंने ये नोटिस किया जैसे एडिटोरियल खत्म होता है मैं यहां क्यों बता रहा हूं न्यूज के बारे में अक्सर मैं चर्चा नहीं करता हूं लेकिन अक्सर क्या होता है एडिटोरियल खत्म होता है तो मैं जो मुझे स्टाफ हमारे बताते हैं सर एडिटोरियल खत्म होते ही आज ये मुझे कहा गया है ठीक है ना जो लोग मेरे साथ यहां काम कर रहे हैं उन्होंने मुझसे कहा कि सर जैसे ही आप एडिटोरियल खत्म करते हैं काफी बच्चे क्लास को छोड़कर निकल जाते हैं आज आप न्यूज की इंपॉर्टेंस के बारे में जरूर बताएगा तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है आप लोगों की बात शिरोधार्य तो मैंने यहां पर इसीलिए आपको बताना शुरू किया रोज बताऊंगा चाहे आपका समय लगे ना लगे तो जी ट्वेंटी अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल गुड को आगे बढ़ाने के लिए अब ये मोदी जी कह रहे हैं नॉट अ कॉमन मैन या कोई कॉमन राइटर्स का मतलब अब ये सब क्या होगा यूपीएससी के जो क्वेश्चन सेटर होंगे उनके लिए ये सब शब्द इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ग्लोबल गुड तब तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री या भारत सरकार के द्वारा ग्लोबल गुड से क्या मतलब है अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है ग्लोबल गुड से सो गुड है अच्छी बात है नहीं आता है, तो भी अब हम ग्लोबल गुड को यूज करेंगे अगर हम इसको समझ गए क्या है तो क्या है वहां मैं बताऊंगा फिर इसके बाद चाइना में एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट हो रहा है जबरदस्त रूप से और अब आप कहेंगे इसको आप क्यों पढ़ा रहे हैं इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी की मांग हो रही है वो पढ़ाने जा रहे हैं यानी इसको हम इसलिए बताने जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी पर जब आप लिख कोई प्रश्न लिखेंगे डेमोक्रेसी पर कोई प्रश्न जब भी आप लिखेंगे कि जैसे भारतीय प्रजातंत्र अपने लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त कर पाया यूपीएससी में पूछा जा चुका है आगे भी पूछा जा सकता है तो जब हम डेमोक्रेसी पर कोई निबंध लिखें भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा यानी डेमोक्रेसी पर कुछ भी लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि अगर चाइना में वर्ष दो में एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट को देखें तो हमें पता चलता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्यों अच्छी है और हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व होना चाहिए क्योंकि वहां के दर्जनों कॉलेजों में प्रदर्शन चल रहा है और वहां मांग हो रही है कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए रूल ऑफ लॉ चाहिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए आप सोचिए तो हम चाइना के एग्जाम्पल को यूज कर लेंगे कहां पर यूपीएससी की कॉपी में तो इस इसलिए सब इंपॉर्टेंट होता है तुरंत आप लोग क्या करते हैं स्विच कर जाते हैं चलो अब तो एडिटोरियल हो गए एडिटोरियल इसमें भी बहुत मसाला होता है याद रखिएगा के जान के कर रहा हूं मैं यहां मेरा पांच मिनट जा रहा लेकिन मजबूरी है जब तक आप लोगों को आखिरी तक नहीं रोकूंगा तब तक मेरा गुस्सा शांत होने वाला नहीं इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब हमारे चीफ गेस्ट होंगे रिपब्लिक डे पर तो अब ये क्यों है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है फोकस अफ्रीका इंडिया की जो नीति है उसके साथ कैसे इंटरलिंक है वो मैं बताऊंगा अब ये तो न्यूज है ना लेकिन ये वहां पर मैं बताता हूं लेकिन बच्चे गायब ठीक है आगे बढ़ते हैं इन्विटेशन फ्रॉम इंडिया एज अ जी ट्वेंटी गेस्ट शोज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ बांग्लादेश इकोनॉमी अब जी ट्वेंटी की अध्यक्षता भारत एक दिसंबर को प्राप्त कर रहा है और भारत ने कह दिया कि 10 देशों को हम बुलाएंगे उस दिन जब हम प्रेसिडेंसी ग्रहण कर रहे हैं उसमें से एक देश बांग्लादेश है इसका मतलब भारत की वर्तमान विदेश नीति में भारत के पड़ोसी देशों में भारत के पड़ोसी देशों में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बांग्लादेश सभी महत्वपूर्ण ऐसा नहीं लेकिन इस एक्शन से तो यही प्रतीत होता है कि यानी बांग्लादेश हमारे लिए सर्व महत्वपूर्ण है तो ऐसे में भारत बांग्लादेश पर क्वेश्चन फ्यूचर में बन सकता है तो यह भी बताऊंगा कि इस बुलावे से किस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के बायलेटरल रिलेशन द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे और गहरे होंगे आप देख सकते तो ये सारी हैं और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की चर्चा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेशन पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है ये जो आप लोग आंसर लिख रहे हैं बहुत बहुत प्यार राहुल मिश्रा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लिख रहे हैं मान प्रकाश महावर बाजरा कृषि पर लिख रहे हैं संतोषी मौर्या मिश्रित खेती कि बेटा आप एम सी क्यू कहा बना रहे हो एम डी मोहम्मद नूर आलम बाजरे की खेती से क्या लाभ होंगे मोनिका ठाकुर बाजरे की खेती से लाभ शिवानी अरोरा बाजरे की खेती से क्या लाभ करण सिंह ठीक है ना वो भी वही बाजरा खेती सालू वर्मा इनकी शिकायत है सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं लेते आई क्यू आई पी में मैं भी तो आंसर राइटिंग लिखता अरे बच्चा कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता आ गया ना आज आपका ठीक है संवैधानिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं लेकिन ये दिखाता है <laughs> ये दिखाता आप लोगों की क्यूरोसिटी पता चला मैं सामने आ जाऊं तो मेरा कॉलर वॉलर पकड़ के मेरा आंसर आप नहीं लगाते सबका लगा देते सबका आएगा बच्चे सबका नंबर आएगा बट ये है कि इतना ज्यादा होता है कमेंट तो उसमें से कुछ हमारी टीम निकाल लेती कुछ अगले दिन निकालेंगे ठीक है फिर इसके बाद आता है सर्वजीत सिंह इन्होंने चुनाव आयोग की नियुक्ति पर जो सवाल उठाए गए उसके बारे में कहा है और कविता यादव ने बाजरे की खेती पर लिखा है इसके अलावा राजपूत है यार पी ए एल पी एल ई में क्या पलपली राजपूत और मेरी फोटो भी लगाए यार पलपली राजपूत ही भैया मैं शायद मेरी इंग्लिश खराब हो माफी चाहूँगा बाजरे की खेती ठीक है ना हम लोग भी एक्चुअल में कपिल शर्मा जो द कपिल शर्मा शो वाले हैं कपिल शर्मा कमेडियन उन्हीं की तरीके की इंग्लिश हम लोगों की भी है तो ऑबियस है तो आप वैसे पलपली ठीक है आगे रोशन तो सार्वजनिक नैतिकता सोनम भारत बंशी बाजरे की खेती अनुजा चौहान बाजरे की खेती वीरेंद्र कुमार बाजरे की खेती बहुत बढ़िया बच्चे सुधा आ, एथिक्स वाला इन्होंने लिखा है जो इंटरनेशनल एथिक्स बहुत बढ़िया अनरो बाजरा वाला निकिता राठौर बाजरे की खेती निकिता सॉरी निकित प्रजापति राम मोरेना आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र का नाम लिखिए जैसे ही इन्होंने लिखा है मोरैना तो आवाज से मैं बुलाया मैंने मोरेना तो आप लोग ऐसे लिखेंगे तो आपका क्षेत्र आपकी वजह से जाना जाएगा ठीक है मुरैना जितनी भी मेरी रीच है भाई बहुत बड़ी रीच तो है नहीं लेकिन जितनी भी है ठीक है जीरो वाले की इतनी भी रीच हो जाए बहुत है मुरैना एमपी इसके बाद अब आते हैं खुशबू कुमारी बाजरे की खेती बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चे फिर इसके बाद नीतू पटेल बाजरे की खेती रोशन आर पी ये भी बाजरे की खेती मामी ये है इंटरनेशनल इथिक्स के ऊपर आपने लिखा है मावी पंकज प्रताप सिंह आपने भी लिखा है आपने आशियान के ऊपर लिखा है बच्चों राज साक्या बाजरे की खेती तो बहुत बढ़िया लिखते रहिए डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आज हम लोग बातचीत करेंगे आपके सामने यानी आज हम बातचीत करेंगे किसके ऊपर राजभवन यानी राज्यपाल के ऊपर क्योंकि दूसरा ट्यूटोरियल बहुत अच्छा है आपने राज्यपाल के इसके पहले मुझसे बड़े टॉपिक पढ़े लेकिन ये पढ़ेंगे एकदम साज के बाद लिख लीजिए राज्यपाल पर आपको जितना जो पीछे मैंने पढ़ा है जो आज पढ़ाऊंगा इसके बाद राज्यपाल पर आपको देखने तक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सारा कुछ तैयार करा दूंगा तो गवर्नर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले हम यह देख लेते हैं यानी हम राज्यपाल भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आज हम यह विषय पढ़ने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले संविधान के किस भाग में तो संविधान के भाग छह में मेरे प्यारे बच्चों कौन से आर्टिकल में तो आर्टिकल वन से वन तक किसके बारे में है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में है राज्य कार्यकारिणी के बारे में है राज्य कार्यपालिका के बारे में व्यवस्था दी गई है इसको आप याद रखेगा इसके बाद अब आता है कि राज्य की एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल होता है यह महत्वपूर्ण है ऑब्वियस राज्यपाल उसी में से एक होता है तो कौन कौन शामिल होता है राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट तो ये लोग कार्यकारिणी में शामिल होते हैं प्रिलिम्स के लिए भी ये सब कभी कभी मिस्टेक हो जाता है इजी क्वेश्चन तो इसको आप याद कर लीजिएगा अब इसके बाद आता है क्या होता है याद रखेगा अब यहां पर तीसरा पॉइंट यानी स्टार्ट हो जाता है राज्यपाल के बारे में तो राज्यपाल क्या होता है राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है यानी राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और उसकी वही स्थिति होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है ध्यान रखिएगा तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव हेड होता है जैसे विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका तो जो कार्यपालिका है उसका हेड होता है कौन राज्यों में राज्यपाल

अगली चीज जो आपको जानना चाहिए कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति के साथ तो क्या राज्यों में भी कोई वाइस गवर्नर होता है तो नहीं यानी वाइस प्रेसिडेंट सेंटर में होते हैं लेकिन वाइस गवर्नर का कोई कार्यालय कहां पर राज्य में नहीं होता है याद रखेगा आमतौर पर यानी यूजली प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि यह नियम माना जाए एक राज्यपाल को दो राज्यों का भी दायित्व तो सौंपा जाता है तो इसलिए लिखा गया आमतौर पर यूजली तो ये सब प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते यूजली शब्द आ गया तो आपको लगना हाँ यार ठीक है आमतौर पर कह रहे ठीक है, है ना स्ट्रिक्ट वर्ड नहीं है ये पोलाइट वर्ड है तो क्या है यूजली मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा अब आता है लेकिन आमतौर पर ऐसा था सातवें संविधान संशोधन अधिनियम यानी सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के 1956 के द्वारा क्या किया गया यह कह दिया गया कि एक ही व्यक्ति राज्यपाल के रूप में जो किसी एक स्टेट में काम कर रहा है वो दो या दो से ज्यादा राज्यों का भी क्या राज्यपाल हो सकता है तो सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट प्रीलिम्स के लिए उसको रट लीजिएगा महत्वपूर्ण बच्चों क्या है यानी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण इसको याद कर लीजिएगा ठीक है राज्यपाल का पद महत्वपूर्ण होता है इस पर यूपीएससी प्रश्न पूछता रहा है हाल फिलहाल में प्रश्न नहीं आया इसलिए मैं राज्यपाल के पीछे पड़ा हूं कुछ पता नहीं है कि दो जो है तेईस में चौबीस में कभी भी मुझे ये नहीं आइडिया है कब लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है याद रखेगा अब आते हैं अब यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो जज है उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है उनकी नियुक्ति कैसी होती है यहां पर अब पी चिदम्बरम साहब के एडिटोरियल को मैं यहां पर अब निकाल रहा हूं जो पी चिदम्बरम साहब ने लिखा हुआ ठीक है ना पी चिदम्बरम साहब गृह मंत्री भी रह चुके हैं और प -प ठीक है ना पी चिदम्बरम ठीक है इन्होंने सभी बड़े पद मुझे लगता है केंद्र में संभाले हुए हैं तो अब आप देख सकते हैं राज्यपाल ना तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता और ना ही परोक्ष रूप से किसी विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है यानी ना तो जनता द्वारा इसका मतलब जिस प्रकार से सीएम को चुना जाता है जनता के द्वारा उसी प्रकार से उसी प्रकार से याद रखिएगा राज्यपाल को नहीं चुना जाता है इसलिए सीएम और राज्यपाल में संवैधानिक रूप से ही अंतर किया गया है तो चिदंबरम साहब यही कहना चाहते हैं कि ये जो अंतर है कि वह निर्वाचित प्रतिनिधि है आप नियुक्त प्रतिनिधि हैं तो ऐसे में नियुक्त को निर्वाचित के ऊपर वरीयता नहीं है संविधान में फिर आप बीच बीच में ऐसे एक्शन क्यों करते हैं जिससे यह लगे कि आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं यानी गवर्नर वाना भी चीफ मिनिस्टर ठीक है आई होप यह पॉइंट आप समझ गए होंगे तो यहां पर आता है इसके अलावा ना ही आपका चुनाव राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष रूप से होता है यानी किसी निर्वाचक मंडल के द्वारा जैसे राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है आपका चुनाव ऐसे भी नहीं किया जाता तो फिर आप ऐसा रिएक्ट क्यों करते हैं ये पी चिदम्बरम साहब ने क्वेश्चन उठाया और ये वैलिड क्वेश्चन इसको आप पकड़े रहिएगा अब जैसा यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से आप कंटेंट अपने माइंड में रखिए निकाल करके आप आंसर लिख दीजिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से ठीक है अब आता है यानी ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद यह शासन करते हैं याद रखिएगा तो बस इतना आपको याद रखना है। हाँ राज्यपाल को केवल दो योग्यताएं पूरी करनी होती यानी दो योग्यताएं उनके पास होनी चाहिए तभी वो राज्यपाल के रूप में चुने जाएंगे आपके सामने देख सकते हैं उसे इंडियन सिटीजन होना चाहिए ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन इसके अलावा ठीक है वह भारतीय नागरिक हो इसके अलावा 35 ईयर उनकी उम्र या उससे ज्यादा होनी चाहिए तो दो दो जो उनकी योग्यताएं हैं अर्हता है दो एबिलिटी है कुछ भी आप कह लीजिए होना चाहिए अब आता है लेकिन परंपरा से ये तो हो गया नियम लेकिन कुछ परंपराओं का पालन किया जाता है तो वो आपको जानने की आवश्यकता किस में अपॉइंटमेंट किस में ऑफ द गवर्नर में दो परंपराओं का पालन किया जाता है ठीक है ना वो पर... पहला क्या है कि वह राज्य का बाहरी व्यक्ति होगा याद रखेगा यानी राज्य में उसका जन्म नहीं हुआ होगा देख सकते हैं वह है एक बाहरी व्यक्ति होगा जिसका उस राज्य से कोई संबंध नहीं होगा जिसमें उसे नियुक्त किया जा रहा है और दूसरा राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती अब वो नाले अलग बात है लेकिन एक परंपरा रही है कि ऐसा किया जाता है तो आई होप आप सब ये सारी चीजें समझ चुके हैं ठीक है तो एक बार बताएं मुझे गवर्नर की नियुक्ति आप लोगों को यानी गवर्नर के पद के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है आपको पता लग गया ठीक है ना फिर इसके बाद अपॉइंटमेंट कैसे होता आप लोगों को पता लग गया फिर इसके बाद हु इज क्वालिफाइड टू बिकम अ गवर्नर यानी उनका तो ये भी आपने पढ़ लिया और फिर एक उनकी नियुक्ति में एक परंपरा का अनुपालन भी किया जाता है वो भी आपने पढ़ लिया तो यहां तक डीप कॉन्सेप्ट डीप कॉन्सेप्ट टॉक आप लोगों का अगर क्लियर हो गया और फिर हम आगे बढ़ते हैं ये दूसरा एडिटोरियल जब करेंगे तब आपके काम आएगा यानी जो आज हम लोग पी चिदंबरम सर का दूसरा एडिटोरियल करने जा रहे हैं अब आते हैं एक मतलब मैं क्या कहूं गंभीर आवश्यक एक गंभीर आवश्यक जरूरी सूचना गंभीर भी है और वो सूचना यह है कि एक दिन इस महीने के लास्ट में यानी तीस नवंबर को हिंदू का एनालिसिस यहां नहीं होगा अब आप इसे चाहे जो समझें ये अन की तरफ से हो रहा है यानी तीस नवंबर को अनएकेडमी की तरफ से कोई क्लास नहीं ली जाएंगी और याद रखिएगा एक तारीख को भी मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा अगर किसी को यह लगे कि सर एक तारीख को तो फिर आप पढ़ा दीजिएगा दो रोज का इकट्ठे नहीं तो यह एक शर्त है एक आपका मेरे प्रति प्रेम भी है वो प्रेम यह है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं बीस पच्चीस हजार बच्चे वो और हिंदी मीडियम में इतने बच्चे बहुत बड़ी बात है इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं एक बहुत बड़ी संख्या चूंकि एग्जाम देने वाले ही बहुत कम है मराठी गुजराती हिंदी ये सब बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में जो है एग्जाम नहीं देते इन द रेशियो इंग्लिश मीडियम तो मैं चाहता हूं कि आप सब उस दिन छह बजे रिकॉर्ड तोड़ दें ये मेरी तरफ से आपसे अपील है क्योंकि अनएकेडमी किस लिए कर रहा है यानी ऑब्वियस है कि अगर मेरे बच्चे मेरे लिए इतना करते हैं तो अन को भी प्राउड फील होगा हम वहां काम करते हैं हमें भी प्राउड फील होगा कि यार आज अनएकेडमी पर दस हजार बच्चे शाम को छह बजे सुनील सर का लेक्चर देख रहे हैं या पांच हजार जितने भी देख रहे हो तो ये आप सबसे अपील है ध्यान रखिएगा देख सकते हैं आपके सामने अनएकेडमी ऐप पर ये होगी नहीं नोट कर लीजिए एक अगर आप उम्मीद करेंगे कि एक दिसंबर को ये क्लास में लूंगा तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला क्योंकि अनएकेडमी ने नियम बना दिया है मेरी नहीं किसी की भी क्लास होने वाली नहीं है ये ध्यान रखिएगा तो उस दिन ऐप पर ही क्लास होगी तो हिंदू पर मैं चाहता हूं कि तांता लगे ये मेरी दिली ख्वाहिश है है याद रखिएगा और आपसे पूछा गया यानी जो भी मेरे प्रति प्रतिबद्ध विद्यार्थी हैं वो अन एकेडमी ऐप पर आए क्या आप इतना करेंगे करेंगे तो फटाफट कमेंट करिएगा कि ये आपको करना पड़ेगा ठीक है ना ये समझिए हम लोगों का एक एग्जामिनेशन है और वैसे भी जहां आप काम करते हैं अगर आपसे कुछ स्पेशल करने को कहा जाता है तो आपका दायित्व होता है तो मैं एन अकेडमी पर एक क्या कर रहा हूं काम कर रहा हूं यानी यहां पर मैं नौकरी कर रहा हूं तो अगर हमारा मालिक हमसे कुछ कहता है टू तो बी ऑनेस्ट अगर आप सही से देखेंगे तो अगर हमारा मालिक हमसे कुछ कहता है जहां पर हम काम करते हैं तो स्वाभाविक है यानी जो कंपनी और हम क्योंकि अपनी कंपनी को मालिक मानते नहीं हैं इसी वजह से हिंदुस्तान में कंपनियां फ्लॉप होती हैं यह हमेशा याद रखेगा जापान में कंपनी को मालिक माना जाता है आपको मैंने पढ़ाया है इथिक्स में अगर आप लोगों को याद हो यूट्यूब पर भी और प्लस पर भी हर जगह पढ़ाया है कि जापान में जब स्ट्राइक होती हड़ताल होती है तो उस दिन कारखाने में फैक्ट्री में ज्यादा काम किया जाता है यूजली अगर आठ घंटे का टाइम है उस दिन दस घंटे बारह घंटे काम किया जाता है इसलिए किया जाता है कि वो अपने मालिक को नैतिकता के आधार पर बाध्य कर सके कि उनके मालिक उनकी बात माने यानी कि एक एम्प्लॉयर कभी नहीं चाहता कि उसकी कंपनी को कोई नुकसान हो घाटा हो ये जापान का कल्चर इसलिए जापान एशिया का सबसे पहला औद्योगिक राष्ट्र बना और जापान आज लीड करता है संपूर्ण विश्व को इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी तो वैसे ही इसीलिए मैंने कहा किडमी क्या है ऑब्वियस है मालिक है हम वहां काम करने वाले रोजगार करने वाले कर्मचारी हैं तो ऐसे में अगर कंपनी की तरफ से कोई बात कही जा रही है तो मुझे यानी उसको बड़े जोश के साथ करना चाहिए और मैं चाहूंगा कि आप सब अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं मेरे प्रति लॉयल हैं जैसे मैं अपनी कंपनी के प्रति हूं तो आप सब उस दिन छह बजे तहलका मचाएंगे यानी यान एनअकेडमी ऐप पर ही अपना हिंदू होगा यह ध्यान रखिएगा और एक दिसंबर को मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा यह नियम है हाँ ठीक है ये ध्यान रखिएगा आपको ऐप पे आना पड़ेगा आपके पास ऑप्शन नहीं है ठीक है तो ये आप ध्यान रखिएगा ठीक है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्मेडमी इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं और एक दिसंबर से दो बैच बैलिंग रफ्तार और एक्सिलेट बैच स्टार्ट हो रहा है और छह महीने का ये रिवीजन बैच है प्रीलिम्स 2023 के लिए सिक्स मंथ प्लस जीएस की फीस बहुत कम देखिए चालीस हजार थी पच्चीस हजार कर दी गई है और सिक्स मंथ आइकॉनिक जीएस की फीस तीस हजार कर दी गई है

तीस तारीख को कि कंपनी को भी फील हो हाँ भाई उसके लोग उसके साथ खड़े हुए हैं तो यह चीज़ मैं चाहता हूं मैं हमेशा से वफादारी को अपना आदर्श मानता हूं जहां पर भी काम करो जब तक काम करो ये नहीं पता कि कब तक लेकिन जब तक भी काम करो तब तक अपनी तरफ से सौ प्रतिशत वफादारी बना के रखो और उस क्लास को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो मेरे आदर्श हैं क्योंकि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो ये जो मेरा वफादारी का आदर्श है यही आदर्श लेके आप आई में पी में जाएंगे और जिस संगठन में जाएंगे उस संगठन में आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे जैसे मैं करता हूँ और आप लोग मुझे इसीलिए मोहब्बत करते हैं कि सर बहुत ज़्यादा मेहनती हैं बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं सुन सुवान जो भी आप लोग कहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि उस दिन केवल हिंदू देखने के लिए आप मत आइए तीस नवंबर को यहाँ क्लास नहीं होगी छह बजे की तो उस दिन केवल आप हिंदू के लिए मत आइए उस दिन आप आइए किस लिए यानी लॉयल्टी सीखने के लिए ठीक है अपने संगठन के प्रति कैसे लायल हुआ जाता है इस चीज को सीखने के लिए तो शाम को छह बजे मैं चाहूंगा कि सभी लोग उपस्थित रहेंगे ये आदेश भी है किसका गुरु का अप... किसके लिए अपने बच्चों के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं इट्स टाइम टू डिस्कस डी पॉपुलेशन जनसंख्या हास पर चर्चा करने का समय यानी जनसंख्या में कमी पर चर्चा करने का समय बहुत बढ़िया टॉपिक है मैं एक पॉइंट केवल यहां पर बता दूं एडिटोरियल खुल जाएगा तो एडिटोरियल की न्यूज क्या है वो तो आप सबको पता बताने की जरूरत नहीं है यानी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि दो तक हिंदुस्तान चीन को पार कर जाएगा दूसरा हमने वन लाइनर न्यूज में आपको बताया था और यह भी कहा था कि पीटी के लिए वो डेट भी याद रखिएगा कौन सी डेट है देखता हूं कौन बच्चा कमेंट करके भी बताता है एक्स डेट नवंबर की एक्स डेट को विश्व की आबादी एक्स पार कर गई फटाफट बताइए ठीक है ना तो यानी दो घटनाएं हुई उन्हीं घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में यह लिखा गया है याद रखेगा एडिटोरियल मेरे प्यारे बच्चों ध्यान तो ऐसे में जब भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तो एडिटोरियल राइटर यह बात क्यों लिख रहे हैं कि हमें सोचना पड़ेगा हमें डरने की जरूरत है तो यही है याद रखेगा जनसंख्या हास का मतलब क्या है जैसे अगर हम हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुस्तान ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो यह जो नॉर्थ है ना यहां की जनसंख्या बढ़ती रहेगी ये नहीं कम होगी लेकिन साउथ की जनसंख्या में एक अच्छी खासी गिरावट आप अभी भी है और आगे भी देखी जाएगी तो यही कह रहे हैं यहां पर मतलब इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चर्चा करने का समय आ गया है मतलब चर्चा करने का समय का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर साउथ की आबादी गिरती है जनसंख्या गिरती है वैसे भी हमने जनसंख्या का जो प्रतिस्थापन दर है 2.1 से घटा करके 2.0 कर दिया यानी आदर्श से हम कम हो गए ठीक है तो इसका मतलब कि संपूर्ण हिंदुस्तान में पॉपुलेशन पर अच्छा कंट्रोल चल रहा है लेकिन दक्षिण भारत में ज्यादा है और ये दक्षिण भारत के लोगों की विशेषता है वो स्किल्ड है यानी वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से भी युक्त है प्लस वो स्किल है ज्यादा क्या है वो स्किल भी है तो ऐसे में अगर यहां पर आबादी गिरती है तो इसका मतलब आगे चल करके भविष्य में हमें स्किल्ड और शिक्षित जनसंख्या कम मिलेगी आप सोचो यार क्या ये सब रिसर्च स्कॉलर होते हैं, हैं बड़ा अच्छा लगता है तो ये यहां पर मुद्दा है ध्यान रखिएगा और इसके साथ ही मैंने और भी कई मुद्दे कनेक्ट कर दिए हैं आई होप अब आप टॉपिक को समझ गए टॉपिक क्या है ठीक है बच्चों क्लियर हो गया अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो क्या है जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे जीएस वन ओहो क्या है जीएस वन सोसाइटी यानी समाज क्या है मेरे प्यारे बच्चों जीएस वन सोसाइटी यानी समाज खंड ध्यान रखे क्या है समाज खंड आप याद रखेगा जीएस वन सोसाइटी यानी समाज खंड तो जीएस वन दो हजार पंद्रह में क्वेश्चन आपसे पूछा है और मैंने एडिटोरियल को इसी परिप्रेक्ष्य में मोल्ड कर दिया है कि ज्यादा जनसंख्या से गरीबी होती है या गरीबी के कारण जनसंख्या होती है तो दो एस्पेक्ट से पढ़ेंगे कि जनसंख्या में जो गिरावट है उसको चिन्हित करना है और उसके साथ साथ दूसरा हम यह पढ़ेंगे कि जनसंख्या के कारण गरीबी है या गरीबी के कारण जनसंख्या है दोनों आज बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं तो प्रश्न पूछा था 2015 में जी वन में सोसाइटी में अगर आपने देखा हो समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या कि निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है बताने की जरूरत नहीं है यानी क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए कि ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी या पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया मजेदार डायग्राम वगैरह मैंने बनाए हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल करिए कल मैंने स्पेशल पर एक क्लास ली थी कल या परसों में मुझे याद नहीं शायद संडे को या सैटरडे को मैंने भूल रहा हूं मैं तो उस दिन मैंने बताया था हिंदू के नोट्स कैसे बनाए तो बच्चों उस दिन मैंने सारी बातें बताई थी अब आप आज सीख लीजिए कि नोट्स कैसे बनाना यानी टॉपिक का नाम लिख लिया आप लोगों ने एक बार फटाफट -पट भले टाइम लग जाए चूकि नए बच्चे हैं काफी तो सबसे पहले आप जो है द हिंदू लिख करके टाइटल लिख लीजिए उसके बाद क्या लिख लीजिए यानी आई क्यू आई पी लिख करके सिलेबस का यह पार्ट लिख दीजिए फिर उसके बाद यह क्वेश्चन लिख लीजिए ठीक है अब हम इस क्वेश्चन को यहां डिस्कस नहीं कर रहे चूंकि एडिटोरियल में डिस्कस है तो अब जहां पर यह क्वेश्चन लिखेंगे एक पेज की जगह आप वहां पर छोड़ दीजिए अब जो मैं आगे एनालिसिस करूंगा तीन पॉइंट पहले वाले पार्ट के तीन से चार पॉइंट तीन से चार पॉइंट अगले वाले पार्ट के तो अब क्या करिएगा आप इसी क्वेश्चन के नीचे उसको लिख लीजिएगा तो आपका यह पूरा एक क्वेश्चन का कंटेंट तैयार हो गया ऐसे ही मॉडल क्वेश्चन भी है तो मॉडल क्वेश्चन जो दिया गया ये भी एडिटोरियल पर बेस्ड है तो जो बातें मॉडल क्वेश्चन में पूछी गई उसी पर तो एडिटोरियल तो ही पाएंगे आप क्या करेंगे? कि जो मैं रहा हूं, तो इसी के अकॉर्डिंग है तो mod, इसी मॉडल क्वेश्चन के नीचे आप कंटेंट तैयार कर लीजिएगा ठीक है ना कैसे तैयार कर लीजिएगा मैं सिखाता हूं जरा समझिएगा वाट इज डी पॉपुलेशन जनसंख्या है तो मैं वहां पर एडिटोरियल में बताऊंगा जनसंख्या हास क्या तो आप हेडिंग बनाई जनसंख्या हास से तात्पर्य ठीक है और उसके बाद यहां लिख दीजिए फिर इसके बाद आता है वॉट आर इट्स चैलेंजेस इसकी क्या चुनौतियां हैं ठीक है फिर लिखिए चुनौतियां मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसकी क्या चुनौतियां हैं ठीक है तीन से चार पॉइंट एक दो तीन पॉइंट आप ऐसे करके लिख लीजिएगा फिर इसके बाद आता है आ, क्या हो गया वही इज ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया वही यानी जो प्रश्न यहां पर पूछा था तो उसी को मैंने कॉन्सेप्ट के रूप में यहां पर डाल दिया है तो क्या बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है या गरीबी भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण तो अब बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण इसको आप लिख लीजिएगा इसके नीचे वन टू थ्री पॉइंट फिर गरीबी भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण कैसे वन टू थ्री पॉइंट ठीक है आपका टॉपिक तैयार हो गया अब आप देखिए आपकी कॉपी पतली हो जाएगी और आपको आगे जो ये भर भर के कंटेंट दिया गया इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा आप समझ गए होंगे। नोट्स कैसे बनाएं? मैंने स्पेशल क्लास ली थी ना इसलिए स्पेशल क्लास कोई भी लू मत छोड़ा करो आप लोग कर तो अगला क्वेश्चन क्या डस ये एकदम इनोवेटिव क्वेश्चन डस पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिस चैलेंज इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वन टू थ्री एंड टेन तो सतत विकास लक्ष्य एक दो तीन और दस को प्राप्त करने में जनसंख्या वृद्धि कैसे चुनौती पेश करती है अब देख लो अग और ये मत सोचेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कहां आते हैं जरा उठा करके इथिक्स भी चेक कर लीजिए जीएस भी अब पूछने लगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर एक्स और फिर उसके बाद पूछता है जैसे इथिक्स में ही बीस में शायद पूछा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वगैरह को इंटरलिंक करके एक बार आप चेक कर लीजिएगा अब तो पूछने लगा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सीधा लिंक करके तो मैंने यहां लिंक कर दिया पूछ लिया तो आपकी और हमारी किस्मत नहीं पूछा तो हम जब प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो सोचिए ये डीप हमारे अंदर घुस जाएगा और जब हमारे अंदर घुस जाएगा तो एग्जाम में हम इसका यूज कर लेंगे अगर पॉपुलेशन पर कोई टॉपिक हम डील कर रहे हैं तो या सतत विकास लक्ष्यों पर भी कोई टॉपिक डील करें तो उसमें जनसंख्या का क्या रोल है तो ये आप देख सकते हैं तो सतत विकास लक्ष्य एक दो तीन और दस को प्राप्त करने में जनसंख्या वृद्धि कैसे चुनौती पेश करती है कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम नो पॉवर्टी जीरो हंगर ठीक है गुड हेल्थ एंड वेलबींग रेड्यूस इन नंबर कैसे हम नहीं कर पाएंगे असमानता कहां से कम होगी जनसंख्या बढ़ेगी तो जीडीपी का बंटवारा प्रत्येक व्यक्ति में होगा तो ऑब्वियस है हिस्सा कम होगा हिस्सा कम होगा तो आपको अच्छे से पता असमानता कैसे ठीक है आगे बढ़ते हैं वाट इज द न्यूज तो वही न्यूज है जिसको कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं दुनिया की आबादी आठ अरब पहुंच गई है यह न्यूज थी और 2023 तक हिंदुस्तान सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा याद रखेगा वॉट इज डीप पॉपुलेशन जनसंख्या हास क्या है मेरे प्यारे बच्चों ठीक है तो जनसंख्या हास क्या है याद रखेगा पॉपुलेशन डिक्लाइन इन ह्यूमन यानी मनुष्यों में जनसंख्या की गिरावट ही जनसंख्या हास है याद रखिएगा क्या है मनुष्यों में जनसंख्या में गिरावट ही क्या है जनसंख्या हास है और एडिटोरियल में बताया गया कि दो तक टू तक दुनिया की आबादी बढ़ने की उम्मीद यानी यहां तक लगातार दुनिया की उम्मीद बढ़ेगी बट ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है मैं काट रहा हूं ठीक है ना मैं काट रहा हूं आपको जो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया बस उतना ही कंटेंट उठाना है केवल न्यूज उठाना मैंने कहा था ना कि आप लोगों को नोट्स बनाते समय केवल न्यूज उठाना है बाकी का कंटेंट कुछ नहीं लेना बाकी का केवल और केवल क्या लेना है उस जो आगे मैंने क्वेश्चन लगाए हैं मॉडल क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ही कंटेंट आपको उठाना है व्हाट इज न्यूज हमेशा लेना है एडिटोरियल का नाम व्हाट इज न्यूज फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो कंटेंट में पॉइंट आएंगे वो रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन और जो एडिटोरियल में टॉपिक आएंगे मतलब जो पॉइंट्स आएंगे रिलेटेड टू मॉडल क्वेश्चन दैट्स इट तो आपका नोट एकदम जबरदस्त हो जाएगा और इतना भारी भरकम कंटेंट भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आई होप जनसंख्या आप समझ चुके हैं और यह भी एक यूनाइटेड नेशन की तरफ से अनुमान है प्रीलिम्स के लिए कि, कि किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या वृद्धि यानी गिरना शुरू होगी तो दो आप देख सकते दो से घटने लगेगी याद रखिएगा 2063 जीरो सिक्स थ्री इसको रट लीजिएगा दो हजार तिरसठ से भारत की जनसंख्या घटने लगेगी यह भी एक फैक्ट है टू जीरो सिक्स थ्री तक तो बड़ा गंभीर बिंदु हम है बड़ा गंभीर बिंदु है जो हम पढ़ने जा रहे हैं समझिएगा अब आता है वही थ्रेट ऑफ डीप पॉपुलेशन इन इंडिया भारत में जनसंख्या हास का खतरा तो भारत में जनसंख्या हास का क्या खतरा है जरा एक बार आप विचार करिए तो जो मैंने आपको बताया वही यहां पर लिखा हुआ कि साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया में नहीं साउथ इंडिया में जनसंख्या में जो गिरावट है वो भारत के लिए चिंतित करने वाली बात है क्यों करने वाली बात है यहां लिखा नहीं गया लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यानी चिंतित करने वाली बात इसलिए है क्योंकि वो शिक्षित होते हैं कौशल ज्यादा है ठीक है, है? स्किल्ड ज्यादा शिक्षित होने के साथ साथ वो तो स्किल्ड ज्यादा है ऐसे में अगर उनकी आबादी गिरती है उनकी आबादी गिरती है तो स्वाभाविक है भारत में कौशल युक्त जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कमी होगी हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता इसका मतलब हमें नॉर्दर्न इंडिया में कौशल विकास के साउथ में, में भी करना लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में कौशल विकास पर बहुत ज्यादा फोकस करना है एक पॉइंट ये हो गया दूसरा मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या पॉइंट है याद रखेगा चैलेंजेस ऑफ डीप पॉपुलेशन इन इंडिया यानी क्या क्या चुनौती है एक तो मैंने आपको बता ही दिया टेंशन लेने की जरूरत नहीं वानी पहला वाला पॉइंट साउथ इंडिया वाला दूसरा क्या चुनौती है विकृत लिंगानुपात डिस्टोटेड सेक्स रेशियो ठीक है टो टो यानी खराब अब आता है यानी हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है कि लिंगानुपात लगातार कम होता जा रहा लिंगानुपात लगातार कम होता जा रहा है और यहां पर एक उदाहरण बताया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पहले देखिएगा कि लिंगानुपात कैसे लगातार कम होता जा रहा है आप देखिए 2011 का सेंसस आपके सामने है अभी तो हमारे पास यही आंकड़े हैं तो दो यानी इक्कीस का सेंसस हुआ नहीं है तो आप देख सकते हैं 919 हो गया है हमारा ठीक है ना ठीक है ना जीरो से छे में और ओवरऑल सेक्स रेशियो मान लीजिए अभी थोड़ा सा बढ़ गया था तो नाइन फोर थ्री हो गया तो ये देखिए बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा समय सेक्स रेशियो जीरो से छ वर्ष तक सेक्स रेशियो में हमारे आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट आई हम पहले कहां थे उन्नीस में नौ पे इकहत्तर की जनसंख्या में पहुंच गए नाइन पे इक्यासी में देखिए थोड़ा सा कम हुआ नाइन 91 में देख सकते हैं आप कहां पर पहुंच गए नाइन फोर पर 2001 में हम पहुंच गए 927 पर और ये हो गया 919 पर तो आप देख सकते हैं यानी विकृत लिंगानुपात और इसी को पुष्ट किया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट से कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट यहां लिखा हुआ क्या कहती है कि जिन घरों में पहला बच्चा पहला बच्चा मेल हो चुका है वो लोग फिर दूसरे बच्चे की कोशिश अब कम कर रहे हैं क्योंकि लड़की होने के भी चांस हैं याद रखेगा यहां साफ साफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा यह बताता है जिन घरों में पहली संतान लड़की है वही दूसरे बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यह जो ट्रेंड है हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है यानी ओवरऑल हमारी जनसंख्या तो इंक्रीज कर रही जो एडिटोरियल की बात है जरा समझिएगा ओवरऑल हमारी जनसंख्या तो इंक्रीज कर रही हम दो में चाइना को पीछे छोड़ रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा ओवरऑल हमारी जनसंख्या बढ़ रही हो उससे किसी को ऐतराज नहीं है लेकिन जो ऐतराज वाली बात है यानी भारत को चिंता करने वाली बात है वो ये बात है कि हमें यानी जनसंख्या की गिरावट में ये जो गिरावट है ये चिंता का विषय ओवरऑल जनसंख्या गिरावट चिंता का विषय नहीं जो जनसंख्या के अंदर के एलिमेंट होते हैं जैसे सेक्स रेशियो यह चिंता का विषय जैसे साउथ इंडिया की आबादी का गिरना वह चिंता का विषय याद रखेगा और फिर इसके बाद दूसरी बात यहां पर जो एडिटोरियल में नहीं थी मैंने बाहर से निकाली बाहर क्या कुछ दिन पहले आपको एडिटोरियल में मैंने पढ़ाया था लेबर फोर्स सर्वे मेरे प्यारे बच्चों के अनुसार जुलाई सितंबर में पुरुषों और महिलाओं के बीच अगर हम देखें तो डब्ल्यू डब्ल्यूपीआर डब्लूपीआर क्या होता है वर्कर पॉपुलेशन रेटियो रेशियो श्रमिक जनसंख्या अनुपात डब्लूपीआर में मेरे प्यारे बच्चों पुरुषों में 68.6 था और महिलाओं में 19.6 था अब आप देखिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात का मतलब कि जनसंख्या में जो काम करने वाले श्रमिक है मेल और फीमेल तो मेल की भागीदारी तो ज्यादा है लेकिन फीमेल की भागीदारी बहुत कम तो यह भी एक बहुत बड़ी चिंता है जिस पर हमें यानी जनसंख्या में ओवरऑल बढ़ोतरी हो रही लेकिन जनसंख्या में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें गिरावट है जिस पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है पहला एलिमेंट मैंने बता दिया दूसरा एलिमेंट पहला लिंग अनुपात दूसरा आपके सामने आ गया डब्ल्यू पी यानी वर्कर पॉपुलेशन शियो में महिलाओं का गिरता हिस्सा तो इसको आप याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा तो जनसंख्या में गिरावट का अर्थ होगा महिलाओं में श्रमिक जनसंख्या अनुपात का बिगड़ना यानी अगर इस इस हिसाब से जनसंख्या गिरेगी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार अगर पहला बच्चा मेल है किसी परिवार में तो दूसरे बच्चे के लिए अटेम्प्ट कम होता है अगर यह ट्रेंड चल पड़ा तो लिंगानुपात जो आज यहां पहुंच चुका है जो सेक्स रेशियो भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा नहीं है ठीक है इसमें भी इकसठ में इकतालीस था तीस हो गया इकहत्तर में इक्यासी में चौतीस हो गया इक्यानवे में, में फिर घट के सत्ताइस हो गया ठीक है तो आप देख सकते दो हजार एक में नौ सौ तैंतीस हुआ ग्यारह में नौ सौ तैंतालीस हो गया तो यह भी बहुत अच्छा नहीं तो इसको भी समस्या होगी याद रखिएगा तो पहला पॉइंट दूसरा होता है लैक ऑफ लिटरेसी यानी जनसंख्या अब तो एडिटोरियल समझे कि नहीं समझे कि ओवरऑल जनसंख्या में बढ़ रही है लेकिन जनसंख्या के अंदर कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं तो पता चले कि जनसंख्या बढ़ रही है हम उसी पर फोकस हो जाए जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें जिस पर हमें सोचने की जरूरत है पहला पॉइंट हो गया सेक्स रेशियो अब तो सौ टॉपिक ओपन हो गया एक बार कमेंट करिए मुझे बीच में ये लग रहा था पढ़ाते पढ़ाते टीचर को फील हो जाता है कि बच्चे कहीं पर मिस कर रहे होंगे तो दो तीन अब, अब तो क्लियर हो गया हमको एक बार, -फट, सौ हो गया हंड्रेट, 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 मुझे पता जाएगा कि सबको समझ में आ गया ठीक है तो ये हो गया यानी पॉपुलेशन ओवरऑल बढ़ रही लेकिन कुछ पॉपुलेशन के अंदर मुद्दे जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता पहला दक्षिण की आबादी मैंने बताया था दूसरा मैंने बताया कि जो है जो लिंगानुपात है शिशु लिंगानुपात है और उसके बाद जो यानी महिला और पुरुष का श्रमिक अनुपात है उसके बारे में मैंने आपको बताया अब आता है लैक ऑफ लिटरेसी साक्षरता का अभाव मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा ठीक है ना तो उच्च शिक्षा की बातचीत यहां हो रही साक्षरता और नामांकन दोनों के मामले में यानी उच्च शिक्षा में लिटरेसी पॉइंट को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों उच्च शिक्षा में लिटरेसी और स्किल दोनों के मामले में पहले पॉइंट में यह बताया गया है कि उत्तरी राज्यों के मुकाबले दक्षिणी राज्य ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दक्षिणी राज्यों के मुकाबले उच्च शिक्षा में लिटरेसी और स्किल दोनों ही स्तरों पर और इनरोलमेंट सभी स्तरों पर यानी दक्षिण के राज्य ज्यादा आगे हैं और सबसे बड़ी बात है कि दक्षिणी राज्यों की आबादी घट रही है ऐसे में इस आबादी को इतनी जल्दी आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं याद रखिएगा तो ऐसे में अगर दक्षिण भारत की जनसंख्या में गिरावट हो रही है तो हम उसका वेलकम कैसे कर सकते तो ये बात दूसरी वाली जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कुछ कुछ यहां पर आ गई तीसरा हो गया यानी फर्टिलिटी गिर रही है यानी अब हम हमारे यहां भी प्रजनन दर गिर गई है और हम टू पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो का प्रजनन दर प्राप्त कर चुके हैं तो आप देख सकते हैं यह तीसरी बात है जिस पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है याद रखेगा और यह क्यों गिरी है बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्रजनन दर क्यों गिरती चलिए मैं आपसे पूछता हूं प्रजनन दर क्यों गिरती ऑब्वियस है जब आप शिक्षित होंगे जब आप रोजगार करेंगे जब आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी तो आप दो बच्चों से अधिक तो कभी नहीं चाहेंगे तो बस वही रीजन है याद रखेगा यहां यानी लोगों की इनकम बढ़ रही हेल्थ और एजुकेशन तक लोगों की पहुंच बढ़ रही है अब हो रहा है कि प्रजनन क्षमता कम हो रही है याद रखिएगा और अब प्रतिस्थापन दर 2.1 से हम नीचे पहुंच गए हैं याद रखिएगा अब हम रिप्लेसमेंट रेट ऑफ फर्टिलिटी के नीचे आ गए हैं याद रखिएगा ठीक है ना तो ये आप अच्छा पॉइंट था इसको आप ध्यान रखिए अब आता है तमिलनाडु और केरल ये बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है यानी इसी के साथ कनेक्टेड पॉइंट है जरा समझिएगा दक्षिण भारत के साथ ही कि तमिलनाडु और केरल में जो आबादी है बहुत तेजी के साथ कम हो रही है ड्यू टू क्यों आप सबको पता है यानी शिक्षा स्वास्थ्य स्किल रोजगार इन इन सब के कारण तो क्या हो रहा है वहां तमिलनाडु और केरल में जनसंख्या तेजी से गिर रही अब इसका परिणाम क्या होगा अगर वहां पर जनसंख्या तेजी से गिर रही है तो इसका मतलब वहां पर बुजुर्ग आबादी ज्यादा होगी और जो यंग आबादी है आहिस्ते है, आहिस्ते वो कम हो जाएगी तो इसका मतलब जो बुजुर्ग आबादी है वो यंग आबादी पर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाएगी क्या हो जाएगी आर्थिक रूप से निर्भर हो जाएगी तो इसका मतलब है युवाओं पर वृद्धों का भार यह एक कॉन्सेप्ट यहां दिया गया बड़ा मजेदार युवाओं पर वृद्धों का भार जिस पर भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है तो एडिटोरियल राइटम का डीप पॉपुलेशन पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है तो तीसरा मुद्दा यह ध्यान या चौथा मुद्दा आप इसको पढ़ लीजिएगा ठीक है तो यानी पहली बात तो खत्म हो गई कि जनसंख्या में वृद्धि है लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो चिंतित करते हैं तो कौन कौन से आंकड़े चिंतित करते हैं वो आपको बता दिया गया जनसंख्या हाथ से संबंधित कौन कौन से आंकड़े हैं जो चिंतित करते हैं सब बच्चे एक बार बताएं क्लियर ठीक है अब आते हैं दूसरा यानी यहां तक था एडिटोरियल अब हो गई है मेरी इंट्री आईक्यू आई के द्वारा यहां पर अब आईक्यू आई स्टार्ट हो गया और ये हो गया पॉपुलेशन एंड पावर्टी क्या है जनसंख्या और गरीबी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया यानी जनसंख्या और गरीबी अब हम पढ़ने जा रहे दोनों के बीच का रिलेशन और उसके साथ साथ सतत विकास लक्ष्य नंबर वन नो पॉवर्टी सतत विकास लक्ष्य नंबर दो जीरो हंगर सतत विकास लक्ष्य गुड हेल्थ एंड वेल बींग सतत विकास लक्ष्य नंबर दस असमानता को कम करना तो इनको भी आप पकड़े रहिएगा इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा आई शुरू करते हैं क्या बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है या गरीबी बढ़ती जनसंख्या का कारण है दोनों ही एक दूसरे के कारण है ऐसा आप बोल सकते हैं तो लेकिन इसको समझने के लिए ना थोड़ा आपको कुछ ऐसी चीज दी जाए जो आपको कम से कम एग्जाम में ना दूसरों से थोड़ा बेटर बना दे क्या आप बना सकता है एग्जाम में देखिए आप ऐसे लिखिएगा इस प्रश्न का उत्तर मेरे बच्चे ऐसे स्टार्ट करेंगे क्या बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है या भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी है आप लिखिएगा क्या लिखिएगा देखिए थॉमस रॉबर्ट मालथर्स का नाम या केवल जनसंख्य विद का, ना। का नाम मालथर्स का नाम लिखिएगा उनकी पुस्तक का नाम लिखिएगा एन ए से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन और इसी पुस्तक में कहा गया है जो ये यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है विद्वान तो होते होंगे जो क्वेश्चन बना इसी पुस्तक में कहा गया है बोथ पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर क्वाइट इंटरलिंक्ड यानी गरीबी और जनसंख्या बहुत हद तक आपस में जुड़े हुए हैं इस प्रश्न का उत्तर बताइए मजा आया इसके पहले भी आपने इस प्रश्न को टैकल करने की कोशिश की होगी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है लेकिन अब बताइए भूमिका आपकी प्रभावी हुई कि नहीं हुई कुछ बच्चे मुझे आंसर भी लिख रहे हैं उनको मैं संकेत करते हुए भेज रहा हूं कि संकेत समझे इंग्लिश मीडियम के बच्चे उड़ीसा वाले तो आप सब क्या करेंगे यही मैंने आप लोगों की कॉपी में कमियां देखी थी और वो कमी क्या थी कि आंसर आप लोग अच्छा कर रहे हैं लेकिन स्टार्टिंग में एग्जामिनर को कैच करने की कोशिश आप नहीं कर रहे हैं। तो यही होता है एग्जामिनर को कैच कर लेना यानी पहली लाइन प्रभावी लाइन कि आपको खुद कुछ नहीं कहना आपने कहा इतने बड़े विद्वान ने ही कहा कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है अब इसके बाद प्रूफ कर दीजिए ये इंग्लिश स्कॉलर थे और इकोनॉमिस्ट थे अब इसके बाद आप इसी चीज को प्रूफ कर दीजिए क्यों बच्चों अब इसी बात को आप प्रूफ कर दीजिए क्या प्रूफ कर दीजिए हाउ पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर कि जनसंख्या और गरीबी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं आइए प्रूफ कर देते हैं अब देखिए और आपको आंसर किसमें लिखना चाहिए किसमें फ्लो चार्ट में अब इसको आप फ्लो चार्ट बना दीजिए हेडिंग बनाइए जनसंख्या गरीबी के लिए किस प्रकार जिम्मेदार है तो चार्ट नंबर वन फिर इसके बाद चार्ट मतलब वन टू और थ्री तीन चार्ट आपने बना दिया बस हो गया आपका खत्म फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे इसी हिसाब से आपको पढ़ने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों अब अब आता है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लीड्स टू मोर फैमिली एक्सपेंसेस हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि भैया जनसंख्या ज्यादा है तो गरीबी कैसे बढ़ा देगी तो अब आपके सामने पॉइंट आ गया कि जनसंख्या बढ़ने से परिवार का खर्चा ज्यादा हो जाता होता है कि नहीं होता है आप लोग खुद अपने आसपास अपने परिवार कहीं पर भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे खर्चा अधिक हो जाएगा अरे भाई एक आदमी कमाने वाला और पांच आदमी का परिवार छह आदमी सात आदमी आठ आदमी फैमिली फे, में दस पंद्रह सबकी एजुकेशन सबका हेल्थ एक्सपेंसेस सबके खाने का खर्चा ज्यादा हो जाएगा कि नहीं तो वही बात यहां पर बताई गई है मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा और इसके कारण से परिवार कहां चला जाता है यहां लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों गरीबी के दुष्चक्र में चला जाता है किसमें चला जाता है VCS Cycle of Poverty. अगर परिवार बड़ा है तो वह अंत में क्या होगा खर्चा अधिक होगा और खर्चा अधिक होगा तो वह गरीबी के दुष्चक्र में चला जाएगा और अगर वह गरीबी के दुष्चक्र में चला गया तो और मैंने एक पॉइंट यहां और लिखा इसको पढ़ लीजिएगा कि अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो क्या होगा अगर इन्फ्लेशन हो जाए और आप गरीब हैं यानी इन्फ्लेशन हमेशा ही होता रहता है इस समय आप खुद चेक कर सकते हैं फूड एंड फ्यूल्स में सबसे ज्यादा महंगाई कॉमन आदमी की सबसे बड़ी समस्या इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हेडलाइन इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स में क्या एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया और मैंने कितनी बार पढ़ाया चाहे यूपीएससी वन वन चैनल पर या मैंने अभी यहां पर या फिर इसके बाद अभी यूपीएससी वाली चर्चा में कुछ दिन पहले कि हेडलाइन इन्फ्लेशन किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की सबसे बड़ी विशेषता होता बताइए तो हेडलाइन इन्फ्लेशन विकासशील राष्ट्रों की सबसे बड़ी विशेषता होता विकसितों की नहीं क्यों क्योंकि भैया विकासशील में अभी खाना वाना सबसे बड़ी चिंता का विषय यानी फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा विषय पश्चिमी राष्ट्रों में तो फूड सिक्योरिटी कोई विषय नहीं पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था तो वही है वही पॉइंट यहां पर बताया गया कि जब इन्फ्लेशन हो और आपका परिवार बड़ा हो और आपकी इनकम बट जाती हो सब में ऐसे में इन्फ्लेशन हो गया तो ऐसे में इन्फ्लेशन हो गया तो तो फिर एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको याद हो यूपीएससी में कि इन्फ्लेशन गरीबी को बढ़ाता कराया था कि नहीं कराया था और यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है ओल्ड एस में तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन हो गया तो गरीबी और बढ़ जाएगी और आप क्या हो जाएंगे पावर्टी साइकिल में आ जाएंगे और अगर पावर्टी साइकिल हुआ तो क्या होगा आइए 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 अब यहीं से इंटरलिंक करिएगा अगर पॉवर्टी का साइकिल हुआ आप गरीब हो गए तो फिर आप पावर्टी का साइकिल ही कन्वर्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पावर्टी का साइकिल ही कन्वर्ट हो जाएगा साइकिल ऑफ डेफ्रीबियन में किसमें वंचितता के प्रक्रम में यानी वंचितता की प्रक्रिया में यानी एक वंचित तो फिर सब वंचित अगली पीढ़ियां वंचित तो फिर अगली पीढ़ियां वंचित तो सतत विकास भी वंचित ध्यान रखेगा तो अब अभी तक मैं आपको प्रोसेस ऑफ डेप्रीबियशन पढ़ाता था आज नई चीज आपके सामने है समझ पाएगी नहीं एक बार फिर बता देता हूं आज आप कभी भी अब प्रोसेस ऑफ डेप्रीबियशन लिखेंगे तो लिखिएगा साइकिल ऑफ पॉवर्टी का ही अगला चरण होता है गरीबी के दुष्चक्र का ही अगला चरण ये रख लीजिए क्या है साइकिल ऑफ पावर्टी का ही अगला चरण होता है साइकिल ऑफ डेप्रीविएशन इसको रट लीजिएगा होता है कि नहीं होता गरीब होंगे और ये चक्र चलेगा तो आप अभाव में आ जाएंगे और अभाव में आएंगे तो फिर क्या क्या होगा अभाव में आएंगे तो क्या क्या होगा फैमिली इन पावर्टी प्लस लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी गरीब तो आप हैं यहां पर बता दिया गया कि गरीब तो आप हैं तो फैमिली इन पावर्टी प्लस लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी आप का परिवार मतलब आप गरीब हैं गरीब परिवार से आपका जीवन स्तर निम्न हो जाएगा जीवन स्तर का मतलब कि स्वास्थ्य शिक्षा पोषण ये तीनों आपको नहीं मिलेंगे जिस अनुपात में मिलना चाहिए परिणाम क्या होगा जो बच्चे पैदा होंगे वो भी गरीबी में पलेंगे बढ़ेंगे और उनका स्वास्थ्य कमजोर होगा और जब उनका स्वास्थ्य कमजोर होगा मेरे प्यारे बच्चों तो है उनकी सीखने की क्षमता कमजोर होगी और अगर सीखने की क्षमता कमजोर होगी तो वह अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे अच्छा कौशल नहीं ले पाएंगे और फिर जब वो बड़े हो जाएंगे तो जॉब के लिए संघर्ष करेंगे स्ट्रगल करेंगे जॉब के लिए और जब जॉब नहीं पाएंगे तो वो पावर्टी से निकलने में कामयाब नहीं हो पाएंगे और पावर्टी में ही पड़े रहेंगे और फिर यह चक्र चलता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखेगा मजा आया कि नहीं मजा और फिर यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा शायद 2018 का है दो हजार का ही प्रश्न है जीएस वन से ही गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को के साइकिल से विमुक्त कर देना है आप इसी साइकिल ऑफ डेप्रीबियन से कह रहा है कि अगर आपको गरीबी समाप्त करनी है तो साइकिल ऑफ डिप्रीबियन को तोड़ना है तो अब इस प्रश्न को डील करिएगा तो बस सीधा इसी साइकिल ऑफ डिप्रीबियन को पहले बिना कोई भूमिका बनाए इस प्रश्न का उत्तर अकॉर्डिंग टू मी लिखना हो तो पहला पैराग्राफ हम लेंगे साइकिल ऑफ डेप्रीबियन उसके बाद इसको हम साइकिल ऑफ डेप्रीबियन को बना देंगे फिर पैराग्राफ चेंज करके अपनी बातें लिखना शुरू कर देंगे तो इसीलिए इस प्रश्न को यहां लगा दिया गया मेरे प्यारे बच्चों अभाव का चक्र हिंदी में भी जीएस वन दो में आया था मैंने अठारह बोला तो दो में आता है इसको रख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों अब आता है तो पहला पॉइंट सब बच्चों को क्लियर हो गया कि जनसंख्या कैसे गरीबी का कारण है तो पहला पॉइंट हो गया जनसंख्या बढ़ने से परिवार का खर्चा बढ़ता है फिर वह पॉवर्टी के साइकिल में आ जाता है और फिर उसके बाद पॉवर्टी का साइकिल डेप्रीबियन के प्रोसेस में यानी वंचितता के प्रक्रम में प्रक्रिया में बदल जाता है जिसका रिजल्टेंट क्या होता है कि परिवार लगातार इसी साइकिल में रहता है ध्यान रखेगा तो दूसरा पॉइंट आता है अब यहां से हाउ पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी जनसंख्या गरीबी के लिए किस प्रकार जिम्मेदार क्या है मेरे प्यारे बच्चों अगला पॉइंट इसका अधिक जनसंख्या करते हैं संपत्ति का अधिक विभाजन आई 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 हम पढ़ते ना भारतीय कृषि में जोतों का खंडन विखंडन उपखंडन है भारत की कृषि प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लगभग साठ प्रतिशत से ज्यादा लोगों को आजीविका उपलब्ध कराती कराती है कि नहीं कराती अकॉर्डिंग टू डेटा तो बावन परसेंट आएगा पचपन परसेंट आएगा कहीं कहीं लेकिन अगर हम एक राउंड फिगर ले तो सिक्सटी परसेंट प्लस आएगा ही आएगा ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अब ऐसे में अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आप खुद सोचिए जब आप सब एक मतलब आपका परिवार स्टार्ट हुआ होगा तो उस समय आपके पास लैंड कितना होगा अगली पीढ़ी में जनसंख्या बढ़ी बंटवारा हुआ लैंड का साइज छोटा हो गया फिर आगे आगे आगे, आगे ऐसे छोटा छोटा होता अब बताइए हम ही पढ़ते हैं यूपीएससी में भारत में जोतों का खंडन विखंडन उपखंडन तीनों वर्ड आया हुआ है इकोनॉमिक्स में जीएस में भारत में जोतों का खंडन विखंडन और उपखंडन किस प्रकार से किसानों के लिए लाभकारी नहीं आया हुआ है कि नहीं और फिर उसने उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सोान पूछा था तो उधर हमें नहीं जाना बस लेकिन तो जोतों का खंडन विखंडन उपखंडन एग्रीकल्चर प्रभावित हो जाएगी याद रखिएगा ठीक है आपको अच्छे से पता सत्तर प्रतिशत किसान हिंदुस्तान में ऐसे हैं सत्तर प्रतिशत जो सीमांत हैं एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं ध्यान रखिएगा तो आप सबको पता है और जब यानी भूमि कम हो जाएगी तो इनकम भी कम हो जाएगी और इनकम कम होगी तो फिर अभाव का दुष्चक्र घेर लेगा इनकम कम होगी तो फिर आप गरीबी के दुष्चक्र में पड़ेंगे फिर अगला साइकिल ऑफ डेप्रीबियशन में आ जाएंगे और फिर उसके बाद समस्याएं शुरू शुरू हो जाएंगी तो ये हो गया दूसरा पॉइंट मेरे प्यार बच्चों तीसरा पॉइंट आ गया आपका क्या है मोर पॉपुलेशन मीन्स लेसर पर कैपिटल इनकम अधिक जनसंख्या का अर्थ है प्रति व्यक्ति आय का कम होगा कम हो जाना प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं जीडीपी को जनसंख्या से भाग देते हैं प्रति व्यक्ति आय आ जाती है तो प्रति व्यक्ति आय आपकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जनसंख्या ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चों और अगर प्रति व्यक्ति आय कम हो गई तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और परचेजिंग पावर कम हो गई तो ऑबियस से वह क्या चाहिए पोषण यानी भोजन स्वास्थ्य शिक्षा कौशल के लिए अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भेजना वह नहीं हो पाएगा तो एक बड़ी आबादी भारत की क्या हो जाएगी बीपीएल और एक बहुत बड़ी आबादी क्या होगी जस्ट एपीएल या हम कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो गया तीनों पॉइंट कैसा लगा मजा आया कि नहीं मजा आया? यानी हमने क्या पढ़ा जनसंख्या गरीबी के लिए किस प्रकार जिम्मेदार है अब हम पढ़ने जा रहे हैं <laughs> अब हम पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के लिए गरीबी कैसे जिम्मेदार है अभी हमने पढ़ा कि जनसंख्या गरीबी के लिए जिम्मेदार अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि कैसे गरीबी बढ़ाती है ऑब्वियस यार पहला पॉइंट आएगा यानी अधिक परिवार के सदस्यों का अर्थ है अधिक आय याद रखिएगा ठीक है अधिक परिवार के सदस्यों यानी सेम समझ अधिक आय यानी इनकम यानी पहला पॉइंट है कि भाई जैसे हम सोचते ना अगर हमारा परिवार बड़ा होगा तो ज्यादा लोग कमाएंगे ज्यादा लोग कमाएंगे तो परिवार में ज्यादा पैसा आएगा तो यह सोच होती है तो याद रखिएगा क्या है जनसंख्या वृद्धि के लिए गरीबी तो जो गरीब परिवार होते हैं वो अपने यहां पर जो मानव होते हैं उसको वो रिसोर्स समझते हैं याद रखिए जो मानव होते हैं उसको वो संसाधन समझते हैं इसीलिए वो ज्यादा संसाधन पैदा करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई संसाधन नहीं होता है आई होप इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे तो पहला पॉइंट ये हो गया दूसरा है दूसरा क्या जनसंख्या वृद्धि के लिए गरीबी कैसे अब आप गरीब हैं तो स्वाभाविक है आप अशिक्षित आपके अशिक्षित होने की संभावना ज्यादा है यानी स्कूलों तक तो आपकी पहुंच बहुत कम हो पाएगी कुछ होबीपई पाए, 5 तक 8 तक 10 तक खत्म तो ऐसे में अगर आप गरीब हैं तो आपके यहां शिक्षा अधिक होगी तो अगर आप अशिक्षा है तो ऑबियस है अशिक्षित परिवार क्या करता है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं होता और परिणाम स्वरूप निरक्षरता बढ़ती है निरक्षरता जब बढ़ती है तो जागरूकता की कमी आती है और जागरूकता की कमी आती है तो ऑबियस है जब शादी तो सबकी होती है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो तो जब शादी होती है तो ये लोग क्या होते हैं यानी जो आधुनिक परिवार नियोजन के साधन है उसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं या तरीका भी नहीं पता होता या ऑब्वियस आप देखिए कि अगर मान लीजिए अभी पढ़ा लिखा व्यक्ति हम लोग मेट्रोज में रहते हैं लेकिन आप विश्वास करिए कॉन्डोम की शॉप पे जाए अगर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अगर मैं गया मैंने कहा कि भाई कॉन्डोम का एक पैकेट चाहिए तो एक दो आंखें मैं ऐसा नहीं करूँ चुकी मैं मेट्रो में रह रहा हूं तो सारी आंखें नहीं लेकिन एक दो आंखें तो देख लेती हैं ठीक है तो आप सोचिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको पता है कि ये एक माध्यम है ठीक है और विवाह के बाद ये सर्व स्वीकृत है लेकिन उसके बाद भी अब आप सोचिए आपके मन में एक परसेंट का हेजिटेशन रहता है अब आप सोचिए जो पढ़ा लिखा ही नहीं है तो क्या वो परिवार नियोजन के साधनों को कॉन्फिडेंस के साथ दुकान पर जाके मांग पाएगा नहीं मांग पाएगा तो ऑबियस है परिवार नियोजन के साधनों का इस्तेमाल अगर आप नहीं करते हैं तो फिर भी आपके सामने वही समस्या आएगी यानी जनसंख्या बढ़ जाएगी तीसरा आता है यानी किस प्रकार से गरीबी जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार है जल्दी शादी और जल्दी गर्भधारण आपको अच्छे से पता है यानी शिक्षा की कमी अगर है तो जल्दी शादी होती है और गर्भ धारण भी जल्दी होता है और कम समय में माए महिलाएं बनती हैं और वो उनका काल चूंकि लंबा होता है अगर कम उम्र में शादी हो जाए तो प्रशोकाल यानी अगर मान लीजिए पंद्रह साल में शादी हो जा रही है और हो रही है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार लिख लीजिएगा यूनाइटेड कई बार बता चुका हूं यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की एक तिहाई वन थर्ड, मतलब संपूर्ण विश्व की वन थर्ड जो बाल बहुए हैं यानी जिनकी 18 साल से कम उम्र में शादी हो रही है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन उसमें से एक तिहाई तो भारतीय है तो इसका मतलब है 15 वर्ष की उम्र में या उससे कम उम्र में आपकी शादी हो जा रही तो पंद्रह से चालीस से पैंतालीस आपका प्रसव काल बहुत लंबा हो जाता है एक महिला जो पंद्रह से चालीस पैंतालीस तक प्रसव काल रख रही है और एक महिला जो यानी पढ़ाई करती है ग्रेजुएट होती है पीजी होती है जॉब करती है वो अगर 28 साल की उम्र में शादी करती है ठीक है 25 साल की उम्र में तो उसका प्रसव काल कम होता है और शिक्षित होती तो अभी से वो प्रशोकाल भी कम होता है और शिक्षा के कारण बच्चे भी कम होते हैं याद रखिएगा तो ये सारी बातें यहां पर बताई गई बताने की जरूरत नहीं अब आगे बढ़ते हैं दोनों पॉइंट मजा आ गया गरीबी जनसंख्या जनसंख्या गरीबी मजा आया कि नहीं मजा आया इसीलिए कहता हूं ना जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं क्या करना है है ऑप्शनल भगवान ऐसा लिख लीजिए दीवारों पर हर तरफ कि ऑप्शनल भगवान है ठीक है जहां पर भी आप पढ़ते हैं जहां पर भी आप पढ़ते हैं ध्यान रखिएगा वहां पर ये लिख लीजिए कि ऑप्शनल भगवान है उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों याद रखेगा दूसरी चीज और द हिंदू इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और उन्तीस मई को बस आकर के संपर्क कर लीजिए आपके पास नगर में देखिए कोई रोक के दिखाए ईगो नहीं है जीरो हूं बट इनोवेशन बहुत है मेहनत करने का जज्बा उससे दस गुना ज्यादा है लेकिन एक बड़ी संख्या चाहिए एक आध बच्चे आते हैं वो मजा नहीं आता इसीलिए मैंने ऑफलाइन को विराम दिया है कुछ समय के लिए मुझे एक बड़ी संख्या चाहिए मुख्य परीक्षा जो दें तो प्लीज ऑप्शनल प्रीलिम्स और द हिंदू इसके अलावा जो बच्चे मुझे फॉलो करें कुछ मत पढ़िए बाकी की सारी जिम्मेदारी की की ऐसे ऐसे महीने में यार, रोज में कंप्लीट कंप्लीट अरे यार रोज करा दूंगा सब बस केवल ऑप्शनल ऑप्शनल और आप्षनल की प्रैक्टिस भी दबा करके ठीक है तो ये हो गया आप यहां से चल सकते हैं अब आते हैं भारत की स्थिति क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है बताने की जरूरत नहीं सब आपको पता है ग्लोबल एमपीआई के अनुसार भारत की रैंक एक एक देशों में यानी छाछवे स्थान पर है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स बस खत्म हो गया ये टॉपिक मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के छह डायमेंशन है मेरे प्यारे बच्चों ये तीन मेन डायमेंशन है पहला हेल्थ यानी न्यूट्रिशन इसमें शामिल है और चाइल्ड मोर्टेलिटी शामिल है एजुकेशन इसमें ईयर आप स्कूलिंग शामिल है स्कूल में कितना उपस्थित रहे वो शामिल है तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड इसमें कुकिंग फ्यूल आपके पास है कि नहीं सैनिटेशन आपके पास है कि नहीं ड्रिंकिंग वाटर आपके पास है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है नहीं हाउसिंग आपके पास या एसेट आपके पास है कि नहीं तो इसी के आधार पर भारत की रैंकिंग यहां बताई गई है क्या है छह छठवे स्थान पर है मेरे प्यारे बच्चों इसको केवल देखने के लिए नहीं इसको यूज करने की प्रैक्टिस करिए इसको यूज करने की प्रैक्टिस कीजिए मैं साफ साफ कह रहा हूं इसको यूज करने की प्रैक्टिस करिएगा बना लीजिएगा ये डायग्राम गरीबी पर जहां भी लिखना हो तड़ तड़ पहला दूसरा तीसरा सेम ऐसे ही बनाइएगा इसके दो पार्ट इसके दो पार्ट इसके छह पार्ट फटाफट ऐसे ऐसे निकाल लीजिएगा तो पीटीबी तैयार हो जाएगा और गरीबी पर मुख्य परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहिए डायग्राम चेप दीजिएगा मजा आ जाएगा आगे की रणनीति आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है तो हमें क्या करने की आवश्यकता है ढेर सारे पॉइंट लिखे हुए हैं आपको मैं हजारों बार बता चुका हूं इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं लेकिन पॉइंट में लिखा हुआ एग्जाम में ऐसे ही लिखना है क्या क्या कदम उठाए सकते हैं उठाए जा सकते हैं जीडीपी बढ़ाइए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कीजिए गैर कृषि रोजगार तक सॉरी uh, गैर कृषि रोजगार को उपलब्ध कराइए ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित कीजिए इसके अलावा पीडीएस को बेहतर करिए और गरीबों के लिए विशेष रोजगार योजनाएं चलाइए सिंपल सी बात है इसको आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ठीक है इसके अलावा और क्या कदम उठाए जा सकते हैं तो विवाह में पुरुष और महिला के बीच में समानता होनी चाहिए और यहां पर मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार ने फैसला किया है यानी अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं है लेकिन 18 साल से उम्र 21 साल करने का जो फैसला किया है महिलाओं का वो आप यहां पर एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हैं इसके अलावा मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए ठीक है ना हायर एजुकेशन तक लिख सकते हैं आप हायर एजुकेशन तक गरीबों को मुफ्त शिक्षा ठीक है ठीक है तो ये सारी बातें और उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम में लाइए और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करिए ठीक है इसके अलावा लीगल एक्शन भी लीजिए जनसंख्या नियंत्रण की सख्त नीति बनाई जैसे यहां पर एग्जाम्पल के रूप में यूपी उत्तर प्रदेश सरकार का जिक्र कर दिया गया है यानी यूपी का पॉपुलेशन कंट्रोल ड्राफ्ट बिल है जिसमें यह कहा गया है क्या कहा गया है ऑब्वियस है कि अगर जिनके दो से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी याद रखेगा तो इस प्रकार की चीज है ठीक है जो आपको अपनाने की जरूरत है इसे बोलते हैं लीगल लेजिस्लेटिव एक्शन विधायी विधायी कार्य एक्शन तो ये सब जब लैंग्वेज लिखेंगे विधायी एक्शन ये है उसका example, तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि वाओ मतलब इसको सब पता है। और फिर आता है अगर जनसंख्या ज्यादा है तो गरीबी आप समाप्त नहीं कर सकते जनसंख्या ज्यादा है तो जीरो हंगर का लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर सकते जनसंख्या ज्यादा है गुड हेल्थ एंड वेल नहीं प्राप्त कर पाएंगे आप कहेंगे कैसे अरे भैया उतना आप हेल्थ सेंटर ही डेवलप नहीं कर सकते जिसको भी शक हो गुड हेल्थ एंड वेलबींग कभी एम्स या अपने यहां के सरकारी अस्पताल का चक्कर लगा पता लग जाएगा कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग प्राप्त नहीं किया जा सकता गंभीर रोगों के बीमार लाइनों में लगे हुए कम नंबर आएगा ठीक है और उसके अलावा आप असमानता को भी कम नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब सतत विकास लक्ष्य नंबर वन टू थ्री फोर प्रत्यक्षता गरीबी के साथ जुड़ा हुआ है कैसा लगा मजा आया अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रह्मास्त्र सॉरी फिर एक बात बोल दो सभी लोगों से तीस नवंबर को हिंदू की क्लास नहीं होगी यूट्यूब पर तीस नवंबर को आपको अनएकेडमी ने हमें यह कार्य सौंपा है और अनकेडमी की अक्रॉस यूट्यूब कोई क्लास नहीं होने वाली तो तीस नवंबर को ध्यान रखेगा आपकी क्लास ये जो यहां छह बजे होती है वो वही होगी केवल एक दिन की बात और वो एक दिन आप लोगों से मांग रहा हूं तो जो 20 पच्चीस हजार बच्चे देख रहे हैं मैं चाहता हूं ना कि उस दिन अनकेडमी के ऐप को हिला दो ये मैं चाहता हूं तो छह बजे सब लोग जो है आपको रहना है लिंक कल ही शेयर कर दिया जाएगा ठीक है इनफैक्ट आज रात में ही शेयर कर दूंगा और सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा छह बजे हिंदू मैं चाहता हूं कि एक रिकॉर्ड हम लोग बनाए सुनील और उनका द हिंदू परिवार आप ही लोग कहते हैं ना आई क्यू फैमिली तो आई क्यू फैमिली का एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐप पर बिल्कुल होना चाहिए ठीक है तो आप लोग आइएगा और ये एक सूचना है तीस नवंबर को तीस नवंबर को यानी अकैडमी का स्ट्रेटजी सेशन यानी मैं क्योंकि 30 नवंबर को हमारी कोई भी क्लास यूट्यूब पर नहीं होगी तो मैंने कई सेशन रखे हैं जो 2025 में बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टडी क्योंकि कल ही लेक्चर में बहुत से बच्चों ने कहा था कि सर हमें 25 में करनी है 24 में करनी है। तो 25 वालों के लिए सुबह 8:00 बजे यानी पूरा उनका 2 साल का एक-एक लाइन का ब्यौरा कि कब क्या करें एक-एक चीज और 2024 वाले बच्चों के लिए रात को आठ बजे तो सुबह आठ बजे पच्चीस वालों के लिए रात को आठ बजे चौबीस वालों के लिए इसके अलावा सुबह नौ बज के पांच मिनट पर बुकलिस्ट फॉर यूपीएससी प्री एंड मेंस ये क्लास लूंगा बहुत से बच्चे पूछते हैं कि जीएस के लिए प्री और मेंस की क्या क्या किताबें हैं नए ढंग से बनाया हूं नए ढंग से आज ही मैंने काम पूरा रिकॉर्ड करके टीम को भेज दिया टाइप करने के लिए तो एकदम नए नए दौर की किताबें कुछ इंग्लिश की भी किताबें तो नौ बज के पांच मिनट पर होगा जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं ये उनके लिए ब्रह्मास्त्र सेशन है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं लिए ब्रह्मास्त्र लिखा हुआ है इसके अलावा अगर आपके परिवार में बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप लोगों को क्लास में आने की आवश्यकता नहीं मैं आप लोगों को किसी को नहीं बुला रहा हूं जो बच्चे पच्चीस वाले हैं वही आए जो चौबीस वाले हैं वही आए बाकी आप सब अपनी पढ़ाई करते रहे ये नहीं कि आप लोगों को मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं नहीं हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी वायल इन कॉलेज यानी जब आप कॉलेज में हैं तो दो बजे जब आप कॉलेज में हैं तो दो बजे आपको कनेक्ट होना है यानी किसी के भी परिवार में जो यहाँ पर मुझे फॉलो करते हैं एक बार यह सेशन जरूर कराइएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं एम कॉलेज गाजियाबाद में गया था और एम एम एच कॉलेज गाजियाबाद में मेरा लेक्चर इतना पसंद किया गया इसी एक बात पर हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी वायलिन कॉलेज इतना पसंद किया गया वहाँ अखबारों में भी आया था गाजियाबाद के और आज मुझे प्रतिष्ठित अखबार अमर उजाला की तरफ से आज ही मुझसे जो है मतलब जो उत्तर प्रदेश का अमर उजाला है उसकी तरफ से आज ही इन्विटेशन मिला है कि आपको सिविल सर्विसेज पर मतलब वो लोग पूरा एक महोत्सव कर रहे हैं तो उसमें मुझे सिविल सर्विसेज का एक्सपर्ट उन लोगों ने मुझे चूज किया है सोचिए तो मेरा कहने का मतलब ये है ये सेशन एक बार उन बच्चों को भी सुनवाइएगा अपने अपने घरों में जो जो आ, मतलब यूपीएससी की तैयारी फ्यूचर में करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी फ्यूचर में करना चाहते हैं तो चूंकि मैंने मुझे ये नहीं पता था कि एमएमएच कॉलेज में इतना पसंद किया जाएगा तो बच्चों ने बहुत पसंद किया वहां के प्रोफेसर बता रहे थे मुझे इसके अलावा बुक लिस्ट फॉर हिस्ट्री एंड हिंदी ऑप्शनल यानी ऑप्शनल बच्चे कहते हैं सर बुक लिस्ट तो ये होगी दोपहर में तीन बजे तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए ये बुक लिस्ट वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो ये सारे सेशन है आप इसका टाइम नोट कर लीजिए ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी 30 नवंबर को ये पूरा रहेगा तो आप लोग जुड़िएगा अकेडमी ऐप पर 30 नवंबर को और मैं चाहता हूं कि मेरे प्रति लॉयल स्टूडेंट जो भी मैंने आप लोगों से कहा है वो आप करें और द हिंदू देख लीजिए द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ये शाम को बजे एडिटोरियलिसकेडमी के ऐप पर होगा द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस अन के ऐप पर होगा 30 नवंबर को शाम को छह बजे तोड़ दीजिए रिकॉर्ड सारे ठीक है <laughs> ठीक है आगे बढ़ते हैं पी चिदंबरम राइट वान बी चीफ मिनिस्टर पी चिदरम लिखते हैं यानी कि कोई है जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता वाना भी यानी हम बनना चाहते हैं ठीक है क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों यानी किसी के जैसे बनने की कोशिश करना उसे बोलते हैं वाना भी, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जैसे बनने की कोशिश करना उसे बोलते हैं वाना भी। तो वही पी चिदम्बरम साहब लिख रहे हैं कि वाना भी चीफ मिनिस्टर यानी चीफ मिनिस्टर की तरह बनने की कोशिश करना तो राज्यपाल यानी पहला डिटोरियल आप याद रखिएगा तो जीएसटू पॉलिटी लेकिन यहां पर अलग है टॉपिक अलग है याद रखिएगा आप जबरदस्त सीखने जा रहे हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों की तुलना और राज्यपाल की जो विवेकीय शक्तियां होती हैं उसके बारे में जिस पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पहले भी पूछा गया आगे भी पूछा जाएगा तो अलर्ट रहेगा जीएसटू पॉलिटी मेरे प्यारे बच्चों याद रखे तो संघ राज्य यूनिट टू यहां से भी है राज्य विधायिका की संरचना और उत्पन्न होने वाले विषय देख सकते हैं सीधा सीधा इस यूनिट के साथ कनेक्ट है राज्य विधायिका संरचना और उत्पन्न होने वाले विषय 1990 में एक क्वेश्चन आया था जो 2023 में आ सकता है 2024 में आ सकता है 2000 कभी भी ठीक है एक्सप्लेन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स एंड स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में राज्यपाल सॉरी भारतीय संविधान में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और विशेष जिम्मेदारियों की प्रकृति और सीमा की व्याख्या करें मेरे प्यारे बच्चों यानी विवेकाधीन शक्तियां और विशेष जिम्मेदारियां दो प्रकार के इनके पावर होते हैं क्या आपको पता थे विवेकाधीन शक्तियां तो आपको पता होगा दूसरा क्या होता है रट लीजिएगा विशेष जिम्मेदारियां तो अब इस प्रश्न को पढ़िए यानी राज्यपाल की विवेकीय शक्तियां और दूसरा क्या है क्या है विशेष जिम्मेदारियां क्या है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ये दोनों अगर आपको नहीं पता तो आप इस प्रश्न का आंसर लिख ही नहीं पाएंगे अब दूसरा देखिए उन्नीस में इसी प्रश्न से मिलता जुलता यद्यप भारत में राज्यपाल यद्यप भारत में राज्यपाल का यद्यप भारत में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जैसे राष्ट्रपति देश का होता फिर भी हो सकता है कि राज्यपाल के पास अधिक अधिकार हो क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अब बताइए मुझे यानी राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है राज्यपाल राज्य का लेकिन क्या हो सकता है हो सकता है कि राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तियां हो क्या आप सहमत हैं? आपको लिखना पड़ेगा हाँ आप सहमत हैं आपके पास ऑप्शन ही नहीं जब आप लिखेंगे हाँ तो फिर पूछेगा कारण बताइए भैया तो कारण बताएंगे तो आप लिखेंगे यहां पर यही प्रश्न वहां उत्तर हो जाएगा कारण जब आप बताएंगे सोचिए आपको यूपीएससी की तैयारी में किस लेवल पर करा रहा हूं और अट्ठाईस मई को अगर प्री अच्छा हो गया तो मैं क्या कराऊंगा आप सोचिएगा कितनी मेहनत करूंगा आपके साथ कारण देखिए बाप तो कारण में पहला हो जाएगा विवेकाधीन शक्तियां क्या है विवेकाधीन इन्हीं विवेकाधीन शक्तियों के कारण राज्यपाल के अधिकार राष्ट्रपति से ज्यादा है और जो दूसरा है विशेष जिम्मेदारियां स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास है। तो जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पर राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों इक्वल हैं लेकिन जहां पर विवेकीय शक्तियों की बात है तो विवेकीय शक्तियों में राज्यपाल बाजी मार ले जाता है यही लिख दीजिएगा आपको आंसर हो गया नोट डीसी पैटर्न पे बनाएंगे बच्चों इसलिए मैंने इस पर अलग से क्वेश्चन मतलब कोई मॉडल क्वेश्चन नहीं बनाया क्योंकि हम बीबीकी शक्तियां उम्मीद कर रहे हैं यूपीएससी पूछेगा अब आते हैं यानी पी चिदम्बरम साहब लिखते हैं बेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट सिस्टम हमारे यहां है यानी हमने क्या किया है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली अपनाई है सिंपल से इसका मतलब यही है और इसमें उन्होंने यही सब बताया है पूरा बता राज्यसभा राज्य विधानसभा राज्य के चुनाव होते हैं चुनने के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी होती जिसको बहुमत मिला होता है वह सरकार बनाती है एक चीफ मिनिस्टर बनता है राज्यपाल उसको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल की कोई भी भूमिका उसकी नियुक्ति में नहीं होती और जो मंत्री होते हैं उनमें भी राज्यपाल की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं वह मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही उन मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं ये है इसका मतलब पहले लाइन इन्होंने बता दिया कि बेस्ट सिस्टम में संसदीय प्रणाली में जो राज्यपाल होता है उसकी किसी भी प्रकार की निर्वाचित भूमिका नहीं है यहां पर यह सारी बात बताई गई ठीक है ना लेकिन अब वो कहते हैं आलोचना करते हैं कि आज के समय में लोग इस बेस्ट मिनिस्टर मॉडल के खिलाफ जा रहे हैं यानी जो संसदीय प्रणाली है उसके खिलाफ जा रहे यानी स्वयं चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं यह पॉइंट उन्होंने यहां पर बता दिया ठीक है ना क्लियर है यानी ऐसी मानसिकता वाले लोग राज्यपाल बन रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर की तरह शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं जबकि उनकी उनके, उनके पास ऐसा करने का ना तो संवैधानिक दायित्व तो है और ना ही ऐसी संवैधानिक शक्ति है ये कह रहे हैं ध्यान रखें फिर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि राज्य का राज्यपाल क्या होता है यानी राज्य का नाम मात्र का मुखिया होता है और वो ब्रिटिश राजा की भांति होता है इसके अलावा उसकी और कोई शक्ति नहीं होती है तो इनकी बात ठीक है ये जो कह रहे हैं ठीक है लेकिन एकदम से राज्यपाल को नकारना ये अच्छी बात नहीं इसलिए इनकी बात के साथ फिर मैंने एंट्री मारी आई क्यू आई पी वो आपको मजा आएगा तो आते हैं पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर्टिकल वन सिक्सटी थ्री में राज्य सरकार की शक्तियां मतलब जो है सॉरी गवर्नर के जो पावर उनके बारे में एक में दिया गया तो साफ कहा गया कि राज्यपाल क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख होता है एग्जीक्यूटिव हेड होता है तो उसकी सहायता के लिए चूंकि शासन उसी के के नाम से किया जाता है तो उसकी सहायता के लिए एक मुख्यमंत्री और पूरी मंत्रिपरिषद होती है ऐसा एक में कहा गया है और यहां पर है कि राज्यपाल उन्हीं की सलाह से काम करता परंतु यहीं पर लिखा हुआ कि विवेकीय शक्तियां उसकी हैं यानी संविधान में जो विवेकीय शक्तियां उसको दी गई हैं याद रखेगा संविधान द्वारा या संविधान के अंतर्गत कुछ मुद्दों पर राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है तो इसका मतलब है आर्टिकल 163 विवेक की शक्ति प्रदान कर देता है इसको आप रटे रहिएगा चूंकि विवेकीय शक्तियों पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड में सम्राट की तरह राज्यपाल के पास कोई वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं ठीक है ना वह केवल यानी उन्होंने एक तिरसठ पर कहा पी चिदंबरम साहब ने कि ठीक है यहां विवेकीय शक्तियों की बात की गई है लेकिन इंग्लैंड में सम्राट की तरह राज्यपाल के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है वह केवल उन्हीं मामलों में अपने विवेक से कार्य कर सकता है जहां संविधान में उससे ऐसा करने की अपेक्षा की गई यानी कि संविधान में एक अनुच्छेद के अंतर्गत जो विवेकीय शक्तियों की बात की गई केवल वही उसकी विवेकीय शक्तियां उसके अलावा और उसकी कोई शक्ति नहीं है तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी विवेकीय शक्तियां क्या है तो यहां तक आई होप आप मुद्दा समझ गए हैं अब हम पढ़ेंगे ठीक है ना कि राज, क्या राज्यपाल की कोई वास्तविक शक्ति नहीं है ऐसा पी चिदंबरम साहब कहते हैं तो कहते हैं कि राज्यपाल के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है तो ये थोड़ा सा कठोर स्टेटमेंट हो जाता है आप कभी भी एग्जाम में ऐसा राज्यपाल के पास कोई स्पष्ट शक्ति नहीं अनुच्छेद तिरसठ ही कहता अनुच्छेद दो अगर आप देखेंगे तो वो कहते कि राज्यपाल के पास संविधान के द्वारा प्रदत्त कुछ विवेकीय शक्तियां हैं इसलिए एकदम से कोई शब्द इस्तेमाल मत कीजिएगा लेकिन उन्होंने लिखा है तो मैंने लिख दिया एग्जाम्पल अनुच्छेद चौसठ एक मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है वही बारी बात है राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती वह मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही किसी मंत्री को नियुक्त कर सकता है तो उसकी कोई भूमिका है ही नहीं इनका कहना है यानी कोई इसके पास वास्तविक शक्ति नहीं है याद रखेगा ठीक है और यह केवल इनके पास ये कस्टोडियन है किसके कॉन्स्टिट्यूशन के याद रखेगा क्या कहा गया है सॉरी कस्टोडियन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव इसको आप रट लीजिएगा मैं गलत बोल गया कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट होता है न्यायपालिका होती है ठीक है तो ये दोनों राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या होते हैं यानी वो कार्यकारी शक्तियों के संरक्षक होते हैं यानी जो भी एग्जीक्यूटिव पावर चीफ मिनिस्टर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को मिली होती है उसके केवल कस्टोडियन होते हैं ये ऐसा पी चिदंबरम साहब कह रहे हैं तो आप कहेंगे सर आप इसे हमें क्यों पढ़ा रहे हैं आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि एक डिस्कशन हम कर रहे हैं आपके दिमाग में आज के बाद ये मुद्दा छप जाएगा जो भी मैं बोल रहा हूं तो यूपीएससी का मुझे भी नहीं पता किस प्रकार का प्रश्न पूछा पूछेगा राज्यपाल की शक्तियों के ऊपर तो जैसा भी पूछेगा फिर यहां से आपको कंटेंट हेल्प करेगा आपको याद रहेगा आप ये मत सोचेगा कि आपका नोट इतना मोटा हो गया है क्या करे मोटा हो गया उसको फेंक दीजिए आपको याद होगा आपको पता नहीं होगा माइंड क्या होता है कॉन्सियस माइंड होता है जैसा भी है मैं आपको बोल रहा हूं आप पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं ऐसे ही एक सब कॉन्शियस माइंड होता है याद रखेगा तो जब आप सब कॉन्शियस माइंड या आप जो भी पढ़ते हैं आपके सब कॉन्शियस माइंड में स्टेबल स्थिर रहता है याद रखेगा तो ये सारी बातें हैं याद रखेगा और यहां कहा गया केवल कुछ प्रसिद्ध अपवाद स्थितियों को छोड़कर वे अपने मंत्रियों की सलाह और उसके अनुसार ही काम करेंगे ठीक है एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है नबाम सॉरी कौन सा केस है शमशेर सिंह एंड अनदर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब उन्नीस यानी उन्होंने इस दो केस को रट लीजिएगा चिदम्बरम साहब ने जिक्र किया कि राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है केवल संविधान में जो उन्हें कुछ विवेकी शक्तियां दी गई हैं उसको छोड़ करके और वो कोई भी एक्शन नहीं कर सकता उन्होंने कहा इस बात की पुष्टि जो मैं कह रहा हूं वो शमशेर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य में भी जो है कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और वो यही है क्या कि राष्ट्रपति और राज्यपाल राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या होते हैं विभिन्न अनुच्छेदों के तहत जो संविधान में दिए गए हैं वो क्या होते हैं कार्यपालिका के संरक्षक होते हैं क्या होते हैं कार्यपालिका के संरक्षक होते हैं और दूसरा कि यानी कुछ प्रसिद्ध अपवाद स्थितियों को छोड़कर अपने मंत्रियों की सलाह पर उसके अनुसार ही ये कार्य करेंगे यह बताता है कि राज्यपाल के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं इसके बाद दूसरा वो नबाम रेबिया और अन्य बनाम डिप्टी स्पीकर और अन्य 2016 केस का जिक्र करते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और कहा कि राज्यपाल के विवेक का प्रयोग सीमित है यानी जो विवेक का प्रयोग है वह असीमित नहीं है सीमित है तो अब आप मान लीजिए कल को प्रश्न आए कि राज्यपाल की विवेकी शक्तियों पर लिखिए तो कम से कम आपको एक पैराग्राफ तो पता लग गया कि नबाम रेबिया और अदर बनाम डिप्टी स्पीकर केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा था कि विवेकीय शक्तियां हैं लेकिन वो असीमित नहीं है किसी भी विषय पर आप जो है विवेकीय शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको आप याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों याद रखें ठीक है ना और वह जब भी विवेकीय शक्ति का प्रयोग करे तो वह क्या होना चाहिए मनमाना या काल्पनिक नहीं होना चाहिए यानी संविधान सम्मत होना चाहिए यह एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जो तर्क द्वारा निर्धारित हो और सद्भाव से संचालित हो यानी अगर आप विवेकीय शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां लॉजिक दिखना चाहिए और सद्भावना दिखनी चाहिए नहीं तो फिर आपके पास खुली विवेकीय शक्ति नहीं तो आप कह सकते हैं नबाम रेबिया केस में साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपके पास खुली शक्ति नहीं है विवेक की तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी पंक्तियां आपको मिल रही तो इसीलिए वो कहते हैं कि लेकिन आज का समय क्या है सत्ता में नहीं है यानी पीछे उन्होंने बताया कि पूरा एनालिसिस की राज्यपाल के पास वास्तविक शक्ति नहीं बताते हुए कह रहे हैं कि वास्तविक शक्ति नहीं है फिर भी राज्यपाल इन दिनों यानी क्या है चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो यह कह रहे हैं याद रखेगा और इसीलिए राज्यपाल जो हैं जो बिल होते हैं विधेयक है उस पर बैठ जा रहे हैं क्या हो रहा है बिल पर बैठ जा रहे हैं यानी बिल को पास नहीं कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं बिल को पास नहीं कर रहे हैं याद रखिएगा और अब इसलिए नहीं बिल जो है पास हो पा रहे चूंकि राज्यपाल उसे पास ही नहीं कर रहे हैं और इसीलिए वो कानून नहीं बन पा रहे चूंकि कानून तभी बनेंगे जब राज्यपाल यानी हेड ऑफ द स्टेट उस पर हस्ताक्षर करेगा यह बात उन्होंने उठाई वो कहते हैं कि अनुच्छेद दो में प्रावधान है कि राज्यपाल सहमति दे सकता है यह सहमति वापस ले सकता है या इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है यानी तीन कंडीशन यहां पर है समझिएगा कि अनुच्छेद दो के अनुसार वह सहमति दे या सहमति ना दे और या राष्ट्रपति के विचार के लिए रख ले मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा यदि या किसी फिर इसी में कहा गया अनुच्छेद दो सौ में यदि किसी विधेयक पर सहमति रोक दी जाती है तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दिया जाना चाहिए अगर आपकी सहमति नहीं है तो आप इसको लौटा दो लेकिन इसी अनुच्छेद 200 में है कि अगर लौटा देता है यानी आपके द्वारा सुझाए गए संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अगर वो लौटा देता है तो राज्यपाल अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है तो वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब राज्यपाल के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं लेकिन वो क्या करता है बिल रोक लेता है तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका मतलब है आज के बाद से अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है कि राज्यपाल के पद के साथ जुड़े हुए विवादों पर चर्चा कीजिए तो अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया है तो राज्यपाल के पद के साथ जुड़े विवादों का बड़ा अच्छा एनालिसिस मैंने कर दिया अब दूसरा पॉइंट हम आते हैं यूपीएससी का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है जिसको आप लोगों को करने की जरूरत है और ये अभी ये मत समझिएगा कुछ बच्चे होंगे सर 1990 का क्वेश्चन हम क्यों करें 1990 क्वेश्चन हम कहा करेंगे हम तो नहीं करेंगे 1990 का क्वेश्चन हम क्यों करेंगे अरे बच्चे मैंने स्टार्टिंग से बोला मुद्दे कभी नहीं बदलते समय के हिसाब से उदाहरण बदलते हैं सेंधो सभ्यता का नगरीकरण कभी नहीं बदला होगा आप 1990 का क्वेश्चन देखिए सेंधो सभ्यता के नगरीकरण पर प्रश्न आया होगा आज का समय है तो कहता है कि सेंदो सभ्यता के नगरीकरण ने आज के नगरों को कैसे बेच दिया तो मुद्दे वही रहते हैं ये मुद्दा तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता विवेक की शक्तियां कहां से बदलेगा तो इसीलिए मैंने कहा एक्सप्लेन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स एंड स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और विशेष जिम्मेदारियों की प्रकृति और सीमा की व्याख्या करें आप देख सकते हैं यानी फोकस क्या होगा इस प्रश्न का राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां और विशेष उत्तरदायी दो पार्ट हमेशा याद रखेगा दो पार्ट दो पार्ट दो पार्ट तो डिस्क्रिप्शनरी पावर विवेकाधीन शक्तियां मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा यानी कार्यपालिका के वे कार्य जहां पर वो अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता उसे क्या कहते हैं उसकी विवेकाधीन शक्तियां ठीक है तो याद रखेगा और स्वाभाविक है या जो विवेकाधीन शक्ति है वह उस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता अब जरा समझिएगा यानी न्यायालय इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता ऐसा लिखा गया लेकिन न्यायालय जब अतार्किक लगेगा तो किसी भी मामले पर हस्तक्षेप कर सकता है आपको पता ही होगा सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की संकल्पना बनाई है कानून की व्याख्या करना उसका काम है तो अगर ये किसी भी विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर पकड़ अपनी बना सकता है लेकिन यहां पर सामान्य रूप से यह पॉइंट समझिएगा विवेकीय शक्तियां सामान्य रूप से न्यायालय के हस्तक्षेप से बाहर होती हैं इसको याद रखेगा सामान्य रूप से लेकिन अगर अतार्किक हो जाए तो फिर स्वाभाविक है चले ही जाएंगे अब इसके बाद आता है राज्यपाल की ठीक है भारत के राष्ट्रपति देखिए प्रश्न पूछा था ना रा, राष्ट्रपति किससे ज्यादा हो सकती है प्रश्न स्टार्टिंग था ना राष्ट्रपति से राज्यपाल की शक्तियां ज्यादा हो सकती है यस तो राष्ट्रपति के पास विवेक से कार्य करने की शक्ति नहीं है राज्यपाल के पास है अब आइए राज्यपाल के पास कौन कौन सी विवेक की शक्ति है रट लीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है संवैधानिक विवेक दि ये संविधान में उल्लिखित है और दूसरा परिस्थिति जन्य विवेक छिपे हुए विवेक एक प्रचलित राजनीतिक स्थिति की, की अनिवार्यताओं पर काम करना बड़ा महत्वपूर्ण है क्या आज के पहले क्या ये पंक्ति हम लक्ष्मीकांत में है सोचिएगा आप तब आपको मुझसे ना प्रेम और होगा मैं चाहता हूं कि हमारा और आपका प्रेम गहरा हो क्योंकि हमें रैंक लगानी है और हम ये हम लोग अगर मिलकर काम करेंगे अच्छे से ना आप विश्वास करो चाहे कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया होगा और आपका मुकाबला आप किसी सामान्य कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे हैं या आप इग्नू से पढ़े हुए बच्चे हैं लेकिन आप उसको हरा सकते हैं यह यूपीएससी का एग्जाम है मेरे भाई इसमें आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं स्पोर्ट्स आया है बस आपके पास मेंटोरशिप अच्छी होनी चाहिए यह मैं हमेशा कहता हूं यह ध्यान रखेगा तो आप देखिए क्या यह एम लक्ष्मीकांत में लिखा है कि राज्यपाल के विवेक के दो प्रकार होते हैं आप मुझे बताइएगा ऑनेस्टी से तो पहला है संवैधानिक यानी जो संविधान में दिया गया दूसरा क्या परिस्थिति जन्य विवेक शब्द आप देखिए कितने अच्छे हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशन डिस्क्रिशन कॉन्स्टिट्यूशनल तो यानी दो प्रकार के विवेक होते हैं तो जो मेरा अपना मानना है कि जो पी चिदंबरम साहब बात कर रहे थे पॉइंट को समझिएगा वो जो भी बात कर रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन है कि संवैधानिक विवेक क्या है मेरे प्यारे बच्चों क्या है समझिएगा संवैधानिक विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए राज्यपालों को परिस्थिति जन विवेक का नहीं लेकिन दोनों ही करना चाहिए इसको आप रख लीजिएगा तो आज के बाद से राज्यपाल की विवेकी शक्तियां कोई प्रश्न आएगा क्या है क्यों महत्वपूर्ण है तो आप ऐसे ही डायग्राम बनाइएगा राज्यपाल की विवेकी शक्तियों के प्रकार तो ऐसे फ्लो चार्ट बना दीजिएगा और पहले में पहला पॉइंट और दूसरे में दूसरा पॉइंट ठीक है इनके इनके बारे में बता दीजिए आइए अब हम दोनों का विश्लेषण पढ़ते हैं यानी क्या है संवैधानिक रूप से जो विवेक राज्यपाल को मिले हैं यानी हम पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं यानी कि अगर राष्ट्र पहला है पहला है पहला है, है। राष्ट्रपति के विचार के लिए अगर कोई भी बिल या विधेयक पेश किया गया है तो उसको वो आरक्षित रख सकता है कि चलो हम जब होगा तब देखेंगे तो पहला विवेक तो बिल को अगर वह अपने पास रिजर्व रख लेता है तो है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ठीक है दूसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लगाना है उसकी सिफारिश करना है तो दूसरा पॉइंट ये ये हो गया उसकी अपनी विवेकीय शक्ति है तीसरा और ये संविधान से मिली हुई और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों पड़ोसी केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रशासक यानी एक राज्यपाल अगर केंद्र शासित प्रदेशों का क्या हो जाए प्रशासक भी हो जाए तो उस समय प्रशासन के लिए जो वो डिसीजन लेगा वह भी उसकी विवेकीय शक्तियां बड़ा अच्छा पॉइंट है यानी अगर एक राज्य का राज्यपाल भी है और किसी यूटी का भी राज्यपाल हो जाता है तो राज्यपाल का वो प्रशासक होगा तो प्रशासक होने के नाते कोई भी काम करेगा तो वो क्या हो जाएगा उसकी विवेकीय शक्तियां हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा ठीक है इसके अलावा आपको पता होगा कि असम में मेघालय में त्रिपुरा में मिजोरम में यहां पर एक एक संस्था है काम जिसका नाम है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो कि स्वायत्त होती है राज्य प्रशासन यानी असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम का जो राज्य प्रशासन है उससे या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसे हिंदी में बोलेंगे जनजातीय जिला परिषद ये स्वायत्त होते हैं तो ऐसे में अगर ये चारों राज्य सरकारें क्या करती हैं ठीक है ना खनिज अन्वेषण के लिए मान लीजिए आपकी कंपनी है रिलायंस है उसको लाइसेंस देती हैं तो जो पैसा मिलता है उसका एक हिस्सा जनजातीय जिला परिषद को दिया जाता है और इसका निर्धारण कितना दिया जाए यह करने की शक्ति किसके पास है राज्यपाल के पास है अब मजा आया कि नहीं राज्यपाल की विवेकी शक्ति सब पॉइंट लिखोगे तो एग्जामिनर एकदम कूदने लगेगा वाह क्या मजा आ गया आगे बढ़ते हैं अच्छी बात है हमारे सामने भी जब कोई अच्छी कॉपी आती है तो हमारा भी क्या होता है उस बच्चे के साथ गहरा जुड़ाव हो जाता है बिलीव करिएगा और तो तुरंत हम लोग चाहते हैं कि वो बच्चे हमारे साथ कंटेंट में काम करें ये मैं अपने मैं ऑनेस्टी से आपको बता रहा हूं ठीक है तो इसलिए आप अच्छी कॉपी लिखने की कोशिश करिए एग्जामिनर खुश हो जाएगा फिर इसके बाद आता है राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों के बारे में मुख्यमंत्री से जानकारी प्र, प्राप्त करने यानी कि भैया राज्य का प्रशासन कैसे चल रहा है कानून वानून बनाने की प्रक्रिया इस बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है रट लीजिएगा इसको ये राष्ट्रपति की विवेकीय शक्तियां चूंकि जो एडिटोरियल लिखे जाते हैं आपको पता होगा तो हर एक अखबार में थोड़ा ना हर एक विचारक का अपना एक 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 सोच होती है न्यूट्रल बहुत कम लोग लिख पाते कोई सत्ता पक्ष के साथ कोई सत्ता पक्ष के विरोध में या कुछ भी तो अगर आपको ये विवेकीय शक्तियां पता है ना तो आज के बाद से राज्यपाल पर कोई भी प्रश्न आएगा इसको रट लेंगे अगर आप बहुत अच्छे से जैसे मैं समझा रहा हूं इसको आप समझ लेते हैं तो परिणाम क्या होगा याद रखेगा परिणाम ये होगा कि कोई भी आप, तो आप राज्यपाल के ऊपर टिप्पणी कर रहा है क्या कर रहा है तो आप तुरंत यह शक्ति याद करेंगे और फिर एक तार्किक निष्कर्ष अपने आंसर को देंगे जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा ध्यान रखिएगा तो यह हो गया मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं संविधान के द्वारा दी गई जो है आ, क्या है विवेक की संवैधानिक शक्ति यानी संवैधानिक विवेक अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सिचुएशनल क्या है सिचुएशनल यानी परिस्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि गवर्नर को स्व विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है तो विवेक दो प्रकार के होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और यानी संवैधानिक और परिस्थिति जन्य संवैधानिक बता दिया मैंने अब मैं परिस्थिति जन्य विवेक बता रहा हूं इसको आप याद कर लीजिएगा अब अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो ऑबियस है ठीक है ना तो भाई सबसे बड़े दल को या उसको क्या लगता है कि कौन दल अन्य दलों के साथ मिलकर के सत्ता बना लेगा तो यहां पर पहला ये सिचुएशनल है दूसरा मान लीजिए वर्तमान मुख्यमंत्री की अप्रत्याशित मृत्यु हो जाए तो ये भी एक रीजन होता है सिचुएशनल डिस्क्रिशन का मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ना वर्तमान मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई भी स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो तो दो सिचुएशन ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों इसके अलावा राज्य विधानसभा यदि विश्वास मत ना प्राप्त कर पाए तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना है या कुछ समय देना है इस पर भी उसकी सिचुएशनल विवेक शक्ति है इसके अलावा राज्य विधानसभा को बर्खास्त करना जब मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो दे तो यह चारों पॉइंट उसकी विवेकीय शक्ति है इसको आप याद रखेगा ठीक है अब आता है राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति के पास केवल सिचुएशनल डिस्क्रिशन ऑफ पावर रहती है यानी राष्ट्रपति के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस क्या बोला गया भाई डिस्क्रिशन ठीक है ना तो सिचुएशनल डिस्क्रिशन राष्ट्रपति के पास है संवैधानिक विवेक राष्ट्रपति के पास नहीं है रख लीजिएगा और इसी मामले में जो प्रश्न स्टार्टिंग में लिखवाया था कि राष्ट्रपति के कंपेयर में राज्यपाल की शक्तियां ज्यादा है क्या है राष्ट्रपति के कंपेयर में राज्यपाल की शक्तियां मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा हैं याद रखेगा तो राष्ट्रपति विवेकानुसार कार्य कर सकते हैं ठीक है कहां पर जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो या वही सेम यानी जो राज्यपाल की विवेकीय शक्तियां हैं याद रखिएगा ठीक है ना तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की विवेकीय शक्तियों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है आप ध्यान रखिएगा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों तो ये सारी बात होता है और दूसरी बात है संविधान के अनुसार राज्यपाल यदि अपने विवेक का प्रयोग करता है तो राज्य विधान मंडल उसे किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं कर सकती उसका उसके उसको अपने विवेक से कार्य करने को राज्य विधानमंडल रोक नहीं सकती है यहां पर लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों तो कैसा लगा टॉपिक मजा आया कि नहीं मजा आया और 30 नवंबर ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी सेशन सुबह आठ बजे 2025 वालों के लिए और कोई भी बच्चा नहीं आएगा मैं जो 23 में अटेम्प्ट कर उनको मैं नहीं बुला रहा हूं मैं जो मतलब इसमें मैं चाह रहा हूं कि नए बच्चा यानी पच्चीस वाले सुबह आठ बजे चौबीस वाले रात को आठ बजे और इसके अलावा आपके घर में कोई भी बच्चा अगर कॉलेज में है तो उसके लिए दो बजे आप उसको भेजिएगा बुक लिस्ट यूपीएससी के लिए इसमें सभी लोग आ सकते हैं खासकर जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं सर हम फीस पे नहीं कर सकते तो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो जीएस की सारी बुक लिस्ट बता दूंगा अनसॉल्व बता दूंगा सॉल्व कौन सा खरीदना वो बता दूंगा और उन बच्चों को जो सेल्फ ऑप्शनल करना चाहते हैं यानी वो कहते हैं कि सर पैसों की दिक्कत है तो हिस्ट्री और हिंदी ऑप्शनल की पूरी बुक लिस्ट तीन बजे बताऊंगा दोनों ऑप्शनल की हिस्ट्री की भी और हिंदी की भी ध्यान रखिएगा तो आप लोग कनेक्ट हो जाएगा ब्रह्मास्त्र सेशन में और दूसरी चीज है द हिंदू एडिटोरियल ध्यान रखिएगा लाइव जो अभी बजे हो रहा है ये कब तीस तारीख को शाम को छ बजे यहां नहीं होगा मैं बार बार बोल रहा हूं यूट्यूब पर नहीं होगा ये अन के ऐप पर होगा एट द रेट अन एकेडमी ऐप ऑन थर्टीएथ नवंबर तो जो भी मेरे लॉयल स्टूडेंट हैं आप सभी हैं तो आप सबको ज्वाइन करना हमें अपनी ताकत आईक्यू आई फैमिली की ताकत को प्रदर्शित करना ये ध्यान रखेगा ऐसा ना हो कि मेरा विश्वास एक रोज आपसे मांग रहा हूं यानी कि वर्षानु वर्ष बर्श आपको पढ़ाया है और एक दिन मांग रहा हूं कि थोड़ा आई क्यू आई फैमिली की एकता दिखाई कि यानी सारे बच्चे सुनील सर के साथ कनेक्टेड है शाम को छह बजे ऐप पर मार दीजिए सब धमाका ठीक है तीस तारीख को जॉब वाले भी सब आ जाते हो आप लोग तो जो लोग बाद में देखते हैं ये अपील उनके लिए जो बच्चे लाइव है तो बेचारे लाइव रहते ही रहते हैं जो बाद में देखते हैं ये उनके लिए है ध्यान रखिएगा ठीक है और बीच में अगर आप सेशन अटेंड करते हैं तो मजा नहीं है स्टार्टिंग से सेशन में रहिएगा अन एकेडमी काउंट करता है ये मैं पहले बता रहा हूँ पता चला आप आए भी और आपकी मेहनत का मेन मुझे कोई लाभ भी नहीं मिला यानी तो स्टार्टिंग में एकदम से स्टार्टिंग से आप लोगों को कनेक्ट यानी पाँच मिनट पहले पाँच बज के पचपन मिनट पे आप लोगों को लेक्चर में शामिल हो जाना है ध्यान रखिएगा तभी आएगा मजा अब आते हैं व्हाट इज इम्फाल इमा मार्केट क्या बात है बच्चे इनोवेशन का हद इसको बोल सकते हो आप इमा मार्केट और कोई आदमी इसको पढ़ता इसको उठा के फेंक देता क्या है बकवास है व्हाट इज इम्फाल इमा मार्केट विच मिनिस्टर जयशंकर कॉल्ड अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ नारी शक्ति इम्फाल का इमा मार्केट क्या जिसे मंत्री जयशंकर नारी शक्ति का बेहतरीन उदाहरण बताते हैं बच्चों तो इसको रट लीजिएगा बहुत मजेदार है जीएस वन महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन यानी सोसाइटी में वुमेन इंपॉवरमेंट पर कोई भी प्रश्न आएगा इमा मार्केट को आपको मणिपुर इम्फाल बस इतना ही लिख देना नारी शक्ति का महत्वपूर्ण उदाहरण एग्जामिनर समझ जाएगा तो ये हो गया इसके अलावा अगर ऐसे पूछता है जैसे भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है तो आप बताएंगे नहीं भाई मिथक नहीं है रियलिटी भी है और रियलिटी कैसे है तो ये जो इमा मार्केट है इमा मार्केट है मणिपुर इम्फाल का यह हकीकत है इसके अलावा यह प्रश्न जो पूछा गया था उन्नीस खिलाने वाले हाथ 2004 में भी आया हुआ है 2021 में भी आया हुआ है तो रिपीट पूछ करता है तो केवल अधिकतर राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकता ग्रेटर पोलिटिकल पावर एलोन विल नॉट इंप्रूव वुमेन्स प्लाइट यानी कि अगर आप उनको केवल यानी पंचायतों में विधानमंडल में संसद में लाते हैं तो केवल उसी से वुमेन इंपॉवरमेंट नहीं होगा उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाइए यानी इस प्रश्न में पूछा गया है आर्थिक स्वतंत्रता उनको देनी है एक पॉइंट और इसमें होगा आर्थिक स्वतंत्रता और इकोनॉमिक फ्रीडम या आर्थिक स्वतंत्रता का उदाहरण है इमा मार्केट बस रट लीजिएगा इमा मार्केट क्या है आर्थिक स्वतंत्रता का उदाहरण है यानी ये बहुत अच्छा पॉइंट है अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है उन्नीस में महिला सशक्तिकरण चुनौतियां और संभावना में आएगा यानी इमा मार्केट किस में आएगा मेरे प्यारे बच्चों इमा मार्केट किस में आएगा संभावनाओं में आएगा इसको रट लीजिए किस में आएगा संभावनाओं में आएगा इमा मार्केट इसको आप रट लीजिएगा मेरे प्यारे ली बच्चों किसमें संभावनाओं में अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं यह संभावना है कि कैसे संभावना है यह भी बता देता हूं कि अगर इसी प्रकार की मार्केट और ये मार्केट जरा सोचिएगा ये राज्य सरकार के कानून से चल रही पता ही नहीं था यार मुझे भी नहीं पता था मुझे बड़ी खुशी होती जब इस टाइप का फैक्ट मैं पढ़ता हूं मुझे लगता है कि जीवन आज सफल हुआ एक दिन मुझे भी नहीं पता था ये राज्य के कानून से चल रही है और उस राज्य के कानून में कहा गया कि अगर कोई भी पुरुष कोई भी मेल यहां दुकान खोला तो उसको कानूनन दंड मिलेगा जेल होगी उसको जुर्माना लगेगा उस पर सोचिए आप तो क्या इसी प्रकार की मार्केट पूरे देश में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खोली जा सकती है कि नहीं राज्य की मदद से ये तो इसको आप लोग फैलाइएगा ये जो मैं पढ़ा रहा हूं चुकी ये समाचारों में तो कहीं आता नहीं बेचारा एक्सप्लेन पेज पे छोटा सा था मैंने खींच लिया नहीं तो एक्सप्लेन पेज भी कौन पढ़ता अमीर लोग पढ़ते हैं ठीक है इंग्लिश मीडियम में बहस होकर के खत्म हो जाती है कितने लोग आपको अच्छे से पता होगा इंग्लिश के जो चैनल वगैरह होते हैं बहुत कम ही लोग उनको देखते हैं तो मेरा ये कहने का मतलब जो न्यूज चैनल होते हैं उनकी बात मैं कह रहा हूं तो इसको प्लीज इस लेक्चर को आप लोग प्रचारित प्रसारित कीजिए कम से कम ये राज्यों के पास यह जाए कि यार ये ये हम कर सकते हैं भला हो विदेश मंत्री एस जयशंकर का उनका स्टेटमेंट ना होता तो यह आता भी नहीं ठीक है तो आप देख सकते हैं संभावनाएं हैं कि अगर सभी राज्य इसी प्रकार से करें तो महिलाओं को हम सशक्त कर सकते हैं फिर 2012 में पूछा था कामकाज और घर की संभाल क्या भारतीय कामकाजी महिला एक न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर रही है मैनेजिंग वर्क एंड होम इज द इंडियन वर्किंग वुमेन गेटिंग अ फेयर डील हां बिल्कुल प्राप्त कर रही है मैं ही कहता था नहीं कर रही अभी कह रहा हूं हां भैया कामकाज में न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर रही है एक छोटा सा उदाहरण है इमा मार्केट मणिपुर इम्फाल कैसा लगा बच्चों इमा मार्केट मणिपुर इम्फाल कैसा लगा मजा आया कि नहीं मजा आया तो आइए फटाफट पढ़ लेते छोटी सी न्यूज ये देखिए एस जयशंकर सर ने इसको कोड किया है नवंबर 27 को विजिटेड द लीजेंडरी इमा मार्केट इन इम्फाल देख सकते हैं सशक्त किया जा रहा नारियां सशक्त आर्थिक समृद्धि भी बढ़ी तो ये इनका कोट इसको रट लीजिएगा और 27 नवंबर को उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है इमा मार्केट क्या प्रिलिम्स के लिए भी मेरे प्यारे बच्चों इसे मदर्स मार्केट कहते हैं या इमा किथेल वहां की भाषा में इमा किथेल या मदर्स मार्केट यानी ये पूरी तरह से पूरी तरह से महिलाओं का बाजार क्या बच्चों पूरी तरह से महिलाओं का एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बाप रे बाप एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है हमने तो आज ही प्लान कर लिया कि मणिपुर घूमने जाना है ठीक है एडिटोरियल बनाते-बनाते अपने बनाते, पत्नी से हमने कवाई चलो मणिपुर चलेंगे अब ठीक है इसी मार्केट में शॉपिंग कराएंगे तुमको है, सच्ची बता रहे है। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अभी इसी मार्केट में आपको हम शॉपिंग कराएंगे इमा मार्केट में ठीक है तो मुझे अच्छा लगा ईमा मार्केट के बारे में कि कम से कम चलो ठीक है तो स्पेशलिटी ऑफ मणिपुर ईमा मार्केट क्या यह महिलाओं का अनूठा बाजार जिसमें तीन हजार ईमा या माताएं ईमा या माताएं हैं मेरे प्यारे बच्चों जो सड़क के दोनों स्टॉल चलाती हैं एक तरफ देखिए ये हो गई सड़क इधर स्टॉल इधर स्टॉल देखिए क्या स्टॉल बनाने का तरीका एक तरफ क्या होगा एक तरफ सब्जी फल मछली और घरेलू किराने का सामान बिक रहा है और दूसरी ओर उत्तम हथकरघा और घरेलू उपकरण बेचे जा रहे हैं अब आप देख सकते हैं यानी प्लांट मार्केट है इमाम मार्केट क्या है बच्चों ये प्लांट मार्केट है ये देख सकते हैं ये है इमा मार्केट आप देख सकते हैं ठीक है बच्चों तो ये यह सारे यहां पुरुष विक्रेताओं और दुकानदारों को प्रतिबंधित कर दिया गया है 2018 में राज्य सरकार ने घोषणा की कि मणिपुर नगर पालिका अधिनियम 2004 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी यदि कोई पुरुष विक्रेता बाजार में सामान बेचता पाया गया तो याद रख लीजिएगा इमा मार्केट का थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ लीजिए प्रस के लिए सदियों पुराना बाजार यानी बहुत पुराना अब यहां यह बताया गया है कि भाई इमा मार्केट अस्तित्व में आया कैसे तो वही है आवश्यकता आविष्कार की जननी है कभी ऐसा निबंध आपसे पूछ ले ठीक है आवश्यकता नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन आवश्यकता आविष्कार की जननी अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले तो आप लिखेगा हां इमा मार्केट मणिपुर इंपाल का उदाहरण यह बताता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो अब आपको यह पता होना चाहिए आवश्यकता क्या है तो ऐसा हुआ कि मेरे प्यारे बच्चों एक बधुआ मजदूर प्रणाली थी प्राचीन काल में प्रसलित थी जिसका नाम था लल्लू काबा क्या नाम था लल्लू काबा इस लल्लु काबा या बधुआ मजदूर प्रणाली के तहत क्या किया जाता था जो मणिपुर के प्रमुख आबादी है मैतेई लोगों की आप सबने ही होगा मैतेई कहाँ की आबादी है मणिपुर की ठीक है तो मणिपुर की जो मैतेई पुरुषों की आबादी है उनको अनिवार्य रूप से सेना और अन्य नागरिक परियोजनाओं जैसे सड़क बन रही कुछ भी बन रहा उसमें सेवा करनी पड़ती थी और उन्हें घर से दूर रहना पड़ता था तो ऐसी परिस्थिति में घर की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई महिलाओं के ऊपर और धीरे धीरे महिलाएं यहां इकट्ठा होने लगी और यह एक बड़े बाजार के रूप में विकसित हो गया तो आप देख सकते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है मेरे प्यारे बच्चों यह मैं बार बार बता रहा हूं सुबह आठ बजे दो के लिए तीस नवंबर को ये लेक्चर लॉन्च हो चुके हैं ये लेक्चर लॉन्च हो चुके हैं तो जो 25 वाले सुबह आठ बजे मिलेंगे जो 24 वाले हैं वो शाम को आठ बजे मिलेंगे आप अपने परिवार में जो भी कॉलेज जाने वाले बच्चे बच्चियां उनको दो बजे यानी भेजेंगे सेशन में और बुक लिस्ट प्री और मेंस की सुबह नौ बजे जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं यानी जो इकोनॉमिकली बच्चे कमजोर हैं उनके लिए है और जो हिस्ट्री और हिंदी मतलब सभी के लिए बट उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और हिस्ट्री और हिंदी ऑप्शनल की बुक लिस्ट भी बताऊंगा नोट्स भी बताऊंगा तो ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा याद रखेगा इसके अलावा बार बार कह रहा हूं कि द हिंदू एडिटोरियल 30 नवंबर को शाम को छह बजे यह अन के ऐप पर होगा मेरा ही नहीं अन पर कोई भी यूट्यूब का सेशन नहीं होगा तो ऐसे में आप सब शाम को छह बजे एक बड़ी संख्या में आइए आमंत्रण दे रहा हूं न्योता दे रहा हूं पांच बज के पचपन मिनट पर सब आप सब लोग उपस्थित रहिएगा आगे बढ़ते हैं अब यूपीएससी असेंशियल यूज यानी यूपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण चीज जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यूज किया है कोर्ट ये इथिक्स में आ सकता है मैं अभी आपसे कह रहा हूं इथिक्स में ये आ सकता है और ऐसे में भी आ सकता है क्योंकि देख सकते हैं आप इनका कोटेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है ये इंडियन एक्सप्रेस में भी है ये हिंदू के अंदर भी है इसको आप याद रखेगा आर्क ऑफ द मोरल यूनिवर्स इज लॉन्ग बट इट बेंड्स टूवर्ड जस्टिस इनका एक स्टेटमेंट है क्या है इसके बारे में अंदर ही पढ़ेंगे ये स्टेटमेंट मेरी तरफ से इथिक्स और ऐसे कहीं पर भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये स्टेटमेंट मार्टिन लूथर जूनियर का है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है और इथिक्स की यूनिट पांच भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक एवं दार्शनिक वहां से यह आ सकता है इस स्टेटमेंट इसकी वर्तमान प्रासंगिकता क्या है आगे पढ़ते हैं तो न्यूज़ क्या है संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ साहब बोल रहे थे भाषण कर रहे थे उन्होंने नैतिक जगत का चाप लंबा है चाप होता ना जैसे आप वृत्त बनाते थे चाप लगाते इस टाइप का तो कह रहे कि नैतिक जगत का यानी नैतिकता का चाप थोड़ा लंबा होता है यानी वही जैसे उन्होंने सब कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं तो वही है सत्य परेशान होना यानी नैतिकता का चाप लंबा है नैतिकता पहुंचने में समय लगता है सिंपल सी बात है लेकिन यह न्याय की ओर झुकता है लेकिन ले, लेकिन जो नैतिक जगत का नैतिक ब्रह्मांड का चाप है उसका झुकाव न्याय की ओर यानी समय के साथ आपको न्याय जरूर मिलता है तो उन्होंने न्यायपालिका के बारे में कहा कि न्यायपालिका इतना ही उन्होंने कहा उसके बाद डिटेलिंग नहीं किया तो इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है मैं बहुत जगह इसका इस्तेमाल करूंगा कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये अब आपको मैं समझाने के लिए यहां पर बता रहा हूं कि यह स्टेटमेंट मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्यों दिया तो आपको देखते हैं उन्होंने उन, इनसे एक प्रश्न पूछा गया एक प्रश्न पूछा गया कि जो अफ्रीकी अमेरिकी लोग हैं इनसे एक प्रश्न पूछा गया कि जो अफ्रीकी अमेरिकी मूल के रहने वाले लोग हैं यूएस में उनको मतदान का अधिकार वोटिंग का राइट कम मिलेगा तब उन्होंने इसी बात पर स्टेटमेंट दिया था कि मिलेगा लेकिन समय लगेगा मिलेगा तो उसी समय उन्होंने स्टेटमेंट दिया था यही स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। इस मुहावरे का अर्थ मैं आपको यहां बता दे रहा हूं अर्थ है कि भले ही न्याय में लंबा समय लगे बट भले न्याय में लंबा समय लगे लेकिन ब्रह्मांड उसकी ओर बढ़ता बर... ब्रह्मांड यानी व्यवस्था न्याय की तरफ बढ़ती है न्याय में भले समय लगे तो अब इसका यूज पहले सिखाता हूं जीएसटू पॉलिटी में कैसे करेंगे जैसे आपको पता है कि न्यायपालिका के सामने बहुत से मामले लंबित हैं तो जब कभी फ्यूचर में अभी तक आया नहीं। मामले लंबित है लेकिन आज तक कोई प्रश्न आया नहीं इस पर भारत में विलंबित न्याय की समस्या है नहीं आए तो आज के बाद याद रखे जब भी विलंबित न्याय पर कोई बात आप लिख रहे हो चाहे ऐसे में भारतीय लोकतंत्र कहा जा रहा है तो उसमें एक समस्या के रूप में चुनौती के रूप में विलंबित न्याय आपको दिखाना ही पड़ेगा ठीक है यह बात सिद्ध करने के लिए भाई भारतीय जो लो, लोक तंत्र है न्याय के मामले में अभी सही दिशा में नहीं है लेकिन फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा कि परंतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का यह कथन एक आशा या उम्मीद जगाता है कि क्या आपके सामने स्पष्ट है कि भले ही न्याय में लंबा समय लगे ब्रह्मांड उसकी ओर बढ़ता है यानी या या कैसे यानी अब छुट्टियों के दिनों में भी सुप्रीम कोर्ट में काम होता है इसके अलावा हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो या सबऑर्डिनेट कोर्ट हो अब वो लोग वर्चुअल मोड में भी चल रही हैं तो ऐसे में यानी विलंबित न्याय की संकल्पना धीरे धीरे समाप्त हो सकती है ठीक है या उस पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है तो आप एक तो ये यूज कर लीजिएगा ठीक है तो बस बताने की आवश्यकता नहीं इसमें कुछ और डिटेल बताया नहीं गया अब ये फिर से विज्ञापन मैं नहीं करूंगा ये डेट फटाफट स्क्रीन ले लो आ जाना और हिंदू में मैं बार बार कह रहा हूं ये क्लास जो अन अकेडमी पर होगी पहली ऐसी क्लास होगी मेरी जो YouTube पर कभी नहीं मिलेगी आपको ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो इसलिए आप सबको यूट्यूब पर आना ही आना है अरे सॉरी अन एकेडमी पर आना ही आना है अभी तक कुछ नहीं मांगा यही एक चीज मांग रहा हूं ठीक है कि जब भी अन एकेडमी मुझे कोई काम सौंपेगी तो आप सबको उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता चूंकि आप सब मेरी फैमिली है मेरा परिवार है तो परिवार का साथ नहीं मिलेगा तो ऑबियस है फिर मजा नहीं आएगा कम से कम अनकेडमी फील तो करेगी यार अन आई क्यू आई पी फैमिली सुनील की बड़ी स्ट्रांग है तो आपके पास ये मौका है तीस नवंबर को शाम को छह बजे हिंदू आप देखते ही हैं तो आप

डेंसी हमें मिली है उसको हमें विश्व के लिए अच्छा बनाने में यूज करना है अब विश्व के लिए अच्छा क्या है यानी ग्लोबल गुड का मतलब क्या है लिख लीजिएगा बी इट पीस और यूनिटी यानी विश्व में शांति हो और एकता हो इसके साथ सेंसिटिविटी हो किसके प्रति संवेदनशीलता हो किसके प्रति पर्यावरण के प्रति या सतत विकास लक्ष्यों के प्रति मेरे प्यारे बच्चों याद रखे बस इसको रख लीजिएगा ग्लोबल गुड का मतलब यही हो गया ग्लोबल गुड इज इक्वल टू इसको रख लीजिएगा जी ट्वेंटी पर प्रश्न आ ही सकता है चूंकि भारत इसका प्रेसिडेंट बना बहुत बड़ी बात है तो अगर जी ट्वेंटी पर प्रश्न बनता है मैंने बहुत पहले आप लोगों से कह दिया था कि डेली कुछ न कुछ आएगा हफ्ते में दो हफ्ते में जी ट्वेंटी को लेकर के तो जी ट्वेंटी के नाम से एक पेज बना लीजिए ये जो रोज रोज कुछ न कुछ होगा या हफ्ते में दो हफ्ते में होगा उसको लिखते चलिएगा तो आपके पास ऐसा कंटेंट रहेगा किसी के पास नहीं रहेगा दूसरा आता है चाइना एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट स्प्रेड टू डजन ऑफ कैंपसेस यानी दर्जनों कॉलेज कैंपस में वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि चाइना ने चाइना में आप सबको पता ही होगा कि कोविड अभी भी व्यापक स्तर पर फैला हुआ तो वहां लॉकडाउन लगा है जिसके कारण से सभी गतिविधियां ठप हो गई हैं तो उसी पर यानी विरोध चल रहा है तो आप कहेंगे सर इसको हमें क्यों पढ़ा रहे हैं हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र की खूबी पर जब आप पढ़ाएंगे या हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है ऐसे विषय पर आप निबंध लिखेंगे तो आपको यहां से एक मस्त एग्जाम्पल आएगा आप लिखिएगा कि कोविड 19 के 2022 में चीन में बढ़ते केस के कारण चाइना की सरकार ने गंभीर लॉकडाउन लगाया जिसके कारण से वहां के दर्जनों कॉलेजों में और एक कॉलेज उसमें से वह भी है जिसमें स्वयं सी जिनपिंग ने पढ़ाई की है याद रखिएगा वह है सिंघुआ यूनिवर्सिटी इसके कैंपस में भी विरोध हुआ और सिंघुआ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने मांग की कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए कानून का शासन चाहिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए ये तीनों शब्द आप लिखिएगा यह तीनों शब्द हर एक हिंदुस्तानी को मौजूद है जिसको चीन में आज मांगा जा रहा है तो हमें इसी बात पर भारतीय होने पर गर्व है यह जो बेसिक जरूरतें होती हैं किसी भी मानव के लिए वह हिंदुस्तान वासियों को उपलब्ध है चीन वासियों को उपलब्ध है नहीं है कैसा लगा मजा आया कि नहीं मजा ठीक है तो बस देखिए पूरा सब कुछ यूपीएससी आईक्यूआईपी है बस जो यूज कर पाएगा वो जीत जाएगा आज अब आता है इजिप्टियन प्रेसिडेंट सीसी भारत के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे मेरे प्यारे बच्चों मिस्र के तो आप इसको याद रखिएगा ठीक है ना और ये क्यों हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं क्यों हो रहे भैया क्योंकि हम अपने संबंधों की पचहत्तरवीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन पचहत्तर वर्ष हो चुके ये पचहत्तरवां वर्ष है अब आपको इसका मतलब प्रीलिम्स के लिए हो गया कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी पचहत्तरवीं वर्षगांठ मनाई तो मिस्र के साथ इजिप्ट के साथ रट लीजिए इसको और इसका फोकस अफ्रीका कार्यक्रम अगर आप कभी भी प्रश्न आता है तो एक एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं कि भारत फोकस अफ्रीका कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध है और इजिप्ट है ना इस प्रकार से चीजें आप लिख सकते अब इसके बाद आता है बांग्लादेश के विदेश उपमंत्री ने कहा है कि हमें जी ट्वेंटी के मेहमान के रूप में भारत के द्वारा दिया गया निमंत्रण स्वीकार तो है और इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत बनेंगे सिंपल सी बात है फिर अंतिम बात यानी द हिंदू एडिटोरियल 30 नवंबर को शाम को छह बजे सबको मेरे साथ अनकेडमी ऐप पर देखनी है ध्यान रखिएगा थ्री प्लस वन यूपीएससी वाली चर्चा में आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री और पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता क्या पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता तो आप लोग कनेक्ट हो जाएगा थ्री प्लस वन यूपीएससी वाली चर्चा में ठीक है मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद जय हिंद लेट्स क्रैक गॉड ब्लेस एब्रीवन थैंक यू सो मच बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत आशीर्वाद थैंक यू